किया गुजा में अल्ला ने मुहरिया का निकाह कभी भी नहीं हो सकता और दिलाई गई मेहर अदा किए जाने का मामला औरतों के मामला यतीमों का मामला। ये के सामने आई है आज का मुताब बढ़ाते हैं और

जा रहा है और आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं वहां गंदगी का ढेर बन चुके हैं फैमिली सिस्टम बर्बाद है। बुढ़ापे के, के, के बंधन को जब छोड़ा गया तो नजर जो दुनिया पर गुलाम है, है वो चाहते है कि तुम हिदायत के रास्ते से दूर हो जाओ आज भी हमारे माशरों में देखिए मगरबीशरों की तहजीब के दिलदादा किस्म के लोग निका के बरस और बातें आजादी की बातें फ्रीडम की बातें न जाने किस किस की बातों की तालीम दे रहे हैं अल्लाह ताला गुमराही की हर शक्ल से हम की हिफाजत फरमाए और हमारे ईमान और हया की हिफाजत फरमाए युफा सुबहाना तो चाहता है कि तुमसे बोझ को हल्का कर दे अल्लाह ने आसान दीन अता फरमाया बुखारी शरीफ की आसान है अलबकर आयत वन एटी सेवन में हमने पढ़ा युसरा बल्कि अलबक की आयत नंबर वन एटी फाइव में भी जिक्र हमारे सामने आया रमजान शरीफ के ताल से वहाँ यह जिक्र आया था यीदीको वाला यीदीकोसरुम अल्लाह तसानी फरमाना चाहता है

वालो अपने माल आपस में बातिल तरीके पर ना खाओ अपने माल कहा हालांकि बंदा किसी दूसरे का माल हड़प करता है सुबह अल्लाह बड़ा प्यारा अंदाज है हमारे दीन का क्लाने हकीम का बड़ा प्यारा अंदाज है तुम अपने मुसलमान भाई का अगर नाहक माल खाओगे तो वो कौन है तुम्हारा भाई है येमत क्या है जिसमें वाहिद के मानन है हदीस शरीफ के मुताबिक एक इमारत के मानन हदीस शरीफ के मुताबिक तो अपने भाई का माल लूटते हो तो इस उम्मत को तार तार करते हो इस उम्मत को नुकसान पहुंचाते हो अपने आप का ही नुकसान करते हो ला अमवालकुम बैनकुम आपस में अपने माल यानी एक दूसरे के माल नाक तरीके पर मत खाओ इल्ला इल्ला तिजारत मिनकुम ये कि तुम्हारी आपस की खुशी से कोई तिजारत का मामला हो यानी इसमें कोई कोर्जन का मामला जबरदस्ती का मामला जबर का मामला ना हो बाहमी रजामंदी के साथ अलबत् याद रहे हलाल शह की तजारत हराम शह के मामले पर कुछ रज़ामंद होकर वो काम करना शुरू कर दे तो वह हराम हलाल नहीं होगा दो अफराद मर्द और और अगर जिना के पर राजी हो जाए तो उनके राजी हो जाने से जिला हलाल नहीं हो जाएगा तो कौन सी तजारत जो हलाल हो कौन सा लेन देन जो हलाल हो कौन सा मामला जो हलाल हो वह बाहम रजामंदी के साथ होना चाहिए वाला तक और अपने आप को कतल ना करो एक तर्जुमा तो ये होगा और एक तर्जमा होगा एक दूसरे को कत्ल ना करो अपने आप को कत्ल ना करो ये तर्जमा भी बिल्कुल दुरुस्त है और इसी से कराम ने खुदकुशी की जो मुमानियत हमारे दीन में सुसाइड करना अपनी जान खुद ले लेना इसकी मुमानियत इस आयत के से से साबित की है ला तुल अपने आप को कत्ल ना करो तो सुसाइड करना खुदकुशी करना इससे मना किया गया यह हराम अमल है नंबर दो अगर एक दूसरे को कतल कर रहे हो अपने किसी मुसलमान भाई को कतल करो तो बहुत बड़ा जुर्म है इसका जिक्र सुर न की आयतमत

वमई फिलिकवान वुल और जो ये करेगा सरकशी करते हुए और करते हुए नारा करीब उसको हम आग में डाल देंगे اللهم اجرنا من النار ये कतल ना हक करना किसी को बहुत बड़ा जुर्म है उसकी सजा दुनिया में भी हो कल जहन्नम का अजाब भी वखान जालिक्लासी और ये बात अल्लाह ताला पर बहुत आसान है यानी पकड़ करना बंदों की मुजरमी की और उनको गुनाहों की पादाश में सज़ा देना ये बात अल्लाह ताला पर बहुत आसान है अब एक बहुत कीमती हिदायत आ रही है कबीरा गुनाहों के ताल्लुक से इर्शाद हुआ <coughs>

तमाम आ, आमाल यानी गुना के काम ऐसे तमाम बुरे आमाल के जिन पर दुनिया या आखरत की कोई सजा बयान की गई हो या ताला और उसके रसूल आल सलाम ने उन आमाल पर लानत की हो वो सारे के सारे गुना कबायर में बड़े बड़े गुनाओं में शामिल हैं अल्लाह ताला हर कबीरा गुना से मुझे और आपको बचने की तोफ़ी अता फरमाए एक हदीसी मुबारक में अकबर कबाइर कभाई, में से भी बड़े बड़े गुनाहों का जिक्र आता है कतले नाक का मामला यतीम का माल हड़प करना पाग दामन औरतों पर तहमत लगाना सूतखोरी का माल मामला करना माँ बाप का दिल दुखाना चोरी करना कता तल्लु करना जेना करना ये बड़े बड़े गुनाह अल्लाह हर बड़े गुनाह से मुझे और आपको बचने की तौफीक अता फरमाए वैसे तो छोटे गुनाहों से भी बचना चाहिए बिच्छू काटता है ना छोटा हो या बड़ा हो काटेगा का तो तकलीफ होगी ज्यादा हो बड़े गुनाहों से बचने के बारे में और अगर सूद के धंधे जारी हों बेहुयाई का तूफान चलता हो अल्लाह की शरीयत के अहकाम को पामाल किया जा रहा हो तो ये इतने बड़े बड़े गुनाहों के बारे में ज्यादा हमारे अंदर होनी चाहिए तो जो बड़े गुनाहों से बचना रहेगा अल्लाह उसकी बुराइयों को मिटा देगा और उन्हें अल्लाह इज्जत के मकान काम में दाखिल फरमाएगा अल्लाह ताला हमें सगीरा कबीरा हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फ़रमाए अल्लाह ताला मुझे और आपको सच्ची तौबा की तौफीक अता फ़रमाए अल्लाह ताला मेरे आपके हम सबके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए अब ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में शोहर बीवी के तालु से वरासत के तालु से घर का निज़ाम चलाने के हवाले से जोजैन के दरमियान नाचाकी का मामला आ जाए उसको सुलझाने के मामले से हाँ, ताल्लुक़ से कुछ हिदायात आ रही हैं वला तमन्न वही और आर्जू ना करो उसकी जो अल्लाह ने तुम्बे से बास को बास पर फ़ीरत अता फ़रमाई है अल्लाह तर्द को मर्द बनाया औरत को औरत बनाया दोनों को मख्तलिस आता फरमाई हैं मुख्तल फिर लोगों को मुख्तलिबार से अल्लाह तला ने फरमाई

उनके आमाल का जो उन्होंने किए आमाल की कमाई मुराद रुपये पैसा मुराद नहीं है औरतों के लिए भी बदला है उनके अमाल का जो उन्होंने कमाई तो जो अमाल औरतें कमाएंगी उनका अजर उनको मिलेगा नेकियों का स्वाब उनको भी अता होगा यह मैदान मर्द औरत दो के लिए खुला हुआ है बाकी दोनों का दायरेकार अलग है

स अल्लाह बिन फजली और अल्लाह उसका फजल मांगो हाँ सवाब जो आता होगा महज अल्लाह के फजल से आता होगा हमारी नेकियों की बुनियाद पर नहीं अल्लाह करम से आता होगा तो अल्लाह से उसका फजल मांगा जाए हर हर शह काम रखने वाला है वली कुल इम जा मवालिया तरक वाल वाल और हमने हर एक के लिए वारिस मुकर दिए हैं उस माल के लिए जो वाले और रिश्तेदार छोड़ जाए और विरासत में तरके में जो हिस्से उनका जिक्र पहले आ चुका अनसा आयत 11 और 12 में तो मां-बाप और रिश्तेदार जो कुछ छोड़ जाएं उनके लिए विरासत विरासत के हिस्से अल्लाह ताला ने खुद مقرر फरमा दिए हाँ कुछ वो होंगे जो गैर वारिस हों उनके लिए वसीयत की गुंजाइश ये बात पहले भी जिक्र में आ चुकी है वल्जिना अकदत अयमानुक फातूहुम नसीबहुम और जिन लोगों से तुम्हारा अहद तो पैमान बन चुका है तो उनको उनका हिस्सा दे दो कोई ऐसे करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं कोई तुम्हारी किफ़ादत में आ गया कोई दोस्त अहबाब में से हो सकते हैं जिससे बड़ा करीबी ताल्लुक हो गया और जिंदगी का बड़ा हिस्सा उनके साथ गुजार दिया अब तुम चाहते हो उनके साथ कोई भलाई का मामला हो जाए अब विरासत है तो हिस्सा नहीं है तो ऑप्शन है वसीयत का और बुखारी शरीफ के हदीस का जिक्र पहले आ चुका है गैर वारिस के लिए एक तिहाई माल की हद तक मैक्सिमम वन थर्ड की हद तक मैक्सिमम वसीयत की गुंजाइश मौजूद है उसकी तरफ भी इशारा इन शही बेशक अल्लाह ताला हर हर बात पर शहीद यानी अज खुद गवाह है अगली आए करीमा में मशहूर मकाम आ रहा है मर्दों की कवामियत का जिक्र और औरतों की फर्मा बरदारी की रविश का बयान और अगर घर में कुछ नाचाकी का मामला आ जाए तो घर को बचाने के लिए थोड़ा सख्त इकदाम भी करना पड़े तो कर लिया जाए लेकिन घर को महफूज रखा जाए और घर की बात अगर घर में सॉल्व ना हो रही हो तो फिर बड़ों को इन्वॉल्व होना चाहिए और मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए यह गुफ्तु अगली दो आयात में आ रही है अब रिजाल आदमी मर्द औरतों पर अवाम हैं, अवाम का एक तर्जमा हाकिम भी है और जिम्मेदार और उनके ऊपर निगरान भी हैं। ये सारे तर्जमे अपनी जगह दुरुस्त हैं मर्द को मर्द होने के नाते अल्लाह तजीलत तो दी है किस माना में इंतजामी एतबार से घर का सरबरा मर्द को बनाया गया है बीमा फक् वादु अला बदम इसलिए कि अल्लाह तला ने एक को दूसरे पर फजीलत अता फरमाई व बीमा अम मिन अम और इसलिए कि उन्होंने अपने माल खर्च किए ये सारी किफालत की जिम्मेदारी मर्द पर है निका की हाजत मर्द की भी है औरत की भी है लेकिन निकाह के मौके पर महर अदा करना शहर की जिम्मेदारी वलीमे का एक ही एक ही दावत का अहमाम वो भी शहर की जिम्मेदारी हती के छुआरों की तकसीम होती है वो भी शोहर की जिम्मेदारी अपनी बीवी को घर फराहम करना रहने के लिए जगह फराहम करना उसके नान नफके की जिम्मेदारी पूरी करना शोहर की जिम्मेदारी कल अल्लाह औलाद फरमा दे औलाद दोनों की किफालत की जिम्मेदारी किस पर है शोहर पर है यह है जो अल्लाह ताला ने घर का सरबरा मर्द को बनाया दुनिया का कोई भी इदारा ले लें वहां बहुत सारे लोग होंगे टॉप पर अथॉरिटी एक के पास होगी एक कंपनी में डायरेक्टर्स बहुत सारे होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर हमेशा एक होगा एक मुल्क में वजरा बहुत सारे होंगे वजीर हमेशा एक होगा तभी निजा, निजाम तभीूदली चल सकेगा इस से को अल्लाह ताला ने एक दर्जा ऊपर दिया लेकिन इस कवामियत का तकादा क्या है सुबह अल्लाह हदीस शरीफ में आता है सईदीम कौम का जो सरदार होता है वो कौम का खादिम होता है तो अगर मर्द को कवाम बनाया तो किफानत की जिम्मेदारी उसको अता की गई है हाँ बीवियां जो नेक

हाफिजातुल्गी बीमा हाफिजल्ल बस जो नेक बीवियां हैं वो फर्मा बरदारी करने वालियां हैं और अल्लाह ताला की अत करदा हिफाज़त की सबब पीछे गैप में रहते हुए पीठ पीछे हिफाजत करने वालियां हैं नेक बीवियां कौन हैं जो अपने शहरों की फर्मा बरदारी करने वालियां हों और इताद गुजार हों और उनके घर माल बिस्तर और औलाद की हफात करने वालियाँ हों कि हिफात के, के तल्ल से ये जिम्मेदारी अल्लाह तरफ से उन पर डाली गई अल्लाह के प्यारे रसूल सल्ल वसल्लम ने फरमाया है शरीफ की रिवायत में जिस बीवी से उसका शोहर राजी हो जाए अल्लाह ताला उस बीवी को इख्तियार देगा कल तो क्या के दिन कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए एक बीवी की जन्नत को उसके शोहर की फर्मा के साथ जोड़ दिया गया है एक बीवी का शहर उससे राजी हो जाए उसकी फर्माबरदार ताबेदार है इस औरत के लिए जन्नत का ऐलान और जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी वो दाखिल हो जाएगी जहन में रखिए अल्लाह ताला घरों को जोड़े रखना चाहता है घरों की मजबूती चाहता है उस ताल्लुक से इन अहकाम को सामने रखें तो ये खालिक कायन ने जो खूबसूरत निज़ाम हमें अता फरमाया और मर्द और, और औरत का जो दायरेकार मुत्य फरमाया वही हमारे लिए बेहतरीन है हां कभी घर के अंदर नाचाकी का मामला आ सकता है कभी घर के अंदर कुछ सरकशी की कैफियत आ सकती है तो उसको सुलझाने का एक तरीका बताया जा रहा है और बड़ा मकसद सामने रहे घरों को टूटने से बचाया जाना आज तो घर बर्बाद हो रहे और कुछ जगह तो घर बन ही नहीं रहे तो नफ्सियाती अमराज बढ़ते चले जा रहे अन नेचुरल किस्म की लाइफ जो है वो गुजारी जा रही है और जिना के कैसे कैसे रास्ते खुल चुके अल्लाह ताला की पनाह लेकिन घरों को बचाना है तो कभी कड़वा घूर भी पीना पड़ता है किसी बड़े मकसद के हसूल के लिए फरमाया वाति तून्ना और तुम्हें डर हो जिन औरतों की तरह से सरकशी का फून्ना तो उन्हें समझाओ सरकशी से मुराद क्या है कि कहीं और मर्द की अथॉरिटी को चैलेंज करने का मामला आ जाए और घर का निजाम बर्बाद होने लगे छोटी मोटी छोटी मोटी नाचाकी नहीं मिर्चे कम होगी नमक ज्यादा हो गया इस पर नहीं घर का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा निजाम डिस्टर्ब हो जाएगा फैमिली स्टेक पर आ जाएगी घर बर्बाद हो जाएगा और वो मर्द के मुकाबले में सीना तान कर खड़े होने का मामला अगर आ रहा है ऐसी सरकशी के घर का मामला स्टेक पर आ जाए तो अब घर को बचाना तो है ना बचाने के लिए तीन स्टेप बताए जा रहे हैं नंबर एक फैदू हन्ना बस उनको समझाओ वाज है नसीहत है उमदा अंदाज से कलाम करना है नंबर वन नंबर टू वजरू हन्ना फिल्म और उन्हें ख्वाबगाहों में तनहा छोड़ दो घर में रहो जरा अलीदगीय कर लो अलीदगी से मुराद उनके साथ न सो ताकि अपनी नाराजगी का इधार करो ताकि एहसास हो नंबर तीन वीबू हन्ना और उनको मारो जैसे ही इस आयत का इस ये तर्जुमा सामने आता है पता नहीं कुछ लोगों को क्या कुछ हो जाता है सफरल अल्लाह का कलाम है हाँ कोई कब कमेंट देने से पहले जरा सोच लेना चाहिए कुछ लोगों को न जाने कहां तक बातें लोग ले जाते हैं वह गरीब हुना और उनको मारो कैसा मारो अल्लाह के रसूल से पूछते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने किसी जोजा मोहतरमा में कभी हाथ नहीं उठाया बात ही खत्म अब आइए साहब एक नाम से पूछते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तक की लकड़ी डंडी दिखाई का ये ये क्या होती है मिसवाक की डंडी लकड़ी क्या होगी बस खत्म होगी बात बस जरा सा एहसास दिलाया जाए सख्ती का मामला किया जाए और अल्लाह के प्यारे रसूल सलाम कि चेहरे पर ना मारना अल्लाह के प्यारे रसूल सलाम फरमाए कि ऐसी मारना हो कि जिससे का निशान आए तो कुछ भी नहीं भाई सख्ती करनी है आज दुनिया के अंदर जो इश्को मोहब्बत की दास्तान हैं उनमें तो कत्ल गारत गरी तक का मामला हो जाते हो जाता लाशें जो है वो ढेर पर पड़ी होती है कचरे के माफ कीजिएगा जरा मेरी सख्ती को हाँ वो तो बर्बादी है ना यहां घर बचाने के लिए अगर थोड़ी सख्ती का कभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक मामला जा रहा हो अगर ये सख्ती करके घर बच जाता है तो सुबहानल्ला ये कड़वा घूट पी लें जो है वो कड़वाट में शिफा भी तो हुआ करती कहा जाता है ना लेकिन ये कब है कब कभी इस तरह का मामला का आ जाए और इन स्टेप्स से गुजार कर मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही हो तो शायद कभी किसी के किसी घराने के के अंदर इस तरह के स्टेप लेने की जरूरत पेश आ जाए ये कब हो रहा है जब घर स्टेक पर आ रहा हो बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस क्या है आये दबर उन्नीस में पढ़ा भला शुरू करने का मामला करो हाँ कभी शोहर की तरफ से बेरगबती वगैरह का मामला हो तो इसी सूरत में आगे चलकर हम पढ़ देंगे कि बीवी को क्या तजवीज किया गया है अल्लाह सलाह तला की तरफ से वो बात बाद में आएगी इंशाला फ़ैन अतः फला तब अली हम न सबीला फिर अगर वो तुम्हारा कहा मान लें तो उन पर इल्ज़ाम की कोई राह तलाश ना करो तुमने थोड़ी सख्ती की बात समझ में आ गई घर बच गया बस मामला खत्म करो रफा दफा करो मामला को अच्छे अंदाज से आगे ले जाने की कोशिश करो इम्ला खबीरा बेशक अल्लाह तला सबसे आला और बुलंद सबसे बड़ा है मर्दों को अच्छी तरह सुनना चाहिए मर्द कहते हैं जी हम बड़े हैं अच्छा अल्लाह ने तुम्हें बड़ा बनाया तो बड़ा उसका सबूत भी तो पेश करो और याद रखो सबसे बड़ा कौन है अल्लाह सुबहानो मर्दों ने अल्लाह को जवाब देना औरतों ने भी देना है मर्द अगर समझते मैं बड़ा हूं तो मैं अपने बड़े होने का कुछ इख्तियार इस्तेमाल कर लूं तो याद रखना भाई सबसे बड़ा अल्लाह सुबहानो इख्तियार जरूर इस्तेमाल करो मगर मिस यूज करोगे जुल्म करोगे ज्यादी करोगे तो अल्लाह तला सबसे बड़ा है उसको जवाब देना है अल्लाह अकबर ये तो घर का मामला घर में हुआ आज तो घर के मामले स्मार्टफोन पर आ जाते हैं इंटरनेट पर आ जाते हैं पूरी दुनिया में आ जाते हैं ये बदतमीजी की बात है बेगैरती की बात है कि घरों के मामला को पूरी दुनिया के चौक, चौक चौराहों पर लाकर जो है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करें अभी तक घर की बात को घर में सेटल कराने की कोशिश की गई उसकी दिलाई गई अगर घर का मामला घर में सेटल नहीं होता तो, तो मोहल्ले के अंदर चौराहे पर सॉल्व करवाएंगे कुरान पढ़े भाई कुरान पढ़े अल्लाह त्यान पाक में विकाइन आसो विन और अगर तुम अंदेशा करो इन दोनों के दरमियान ना चाकी का

एक मुनसिफ फैसला करने वाला मर्द के खानदान से और एक मुनसिफ फैसला करने वाला औरत के खानदान से अब बड़ों को इन्वॉल्व करो हां कोर्ट कचहरी की बात ना करो मोहल्ले के चौराहे की बात ना करो फला जमातों के लोगों को बुलाने की बात ना करो एक खानदान का बड़ा मर्द के खानदान से एक बड़ा औरत के खानदान से बैठे और समझाने की वाज की नसीहत की पैचअप कराने की कोशिश करें इन फिकबिन अगर वो दोनों सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह ताला इन दोनों के दरमियान मुआफत पैदा कर देगा ये दो बड़े जो हैं इनमें नेक होगी बड़ेगा बच्चे भी लड़ पड़ते तो मैं नहीं मानना मैं नहीं मानना, तो तीसरा आगे मनवा लेता है, है ना तो अगर इनके अंदर नेक शोहर बीवी के अंदर तो ये आने वाले बैठेंगे तो अल्लाह मुआफत पैदा कर देगा यह अल्लाह पाक का कलाम है या आसमान और ज़मीन की बातें भी करता है कायनाती वसातों की भी बातें करता है ये आखरत की भी बातें करता है ये निज़ाम की भी बातें करता है ये घर की भी बातें करता है शोहर बीवी घर के मामला के लिए भी रहनुमाई अता फरमाता है किस कदर प्यारा खूबसूरत जाम कामिल दीन है जिसके आप हम मानने वाले हैं खबीरा इम का नाअमीर तआला खूब रखने वाला खूब ख़बर रखने वाला सब मालूम है अल्लाह को तुम्हारे रवैये घरों के अंदर कैसे और क्या है इसके बाद की आयत बहुत प्यारी है माशरती हिदायत के हवाले से ऐसी हिदायत कुछ अल्बकर एटी थ्री में भी आई थी अब यहां आ रही हुकूक अल्लाह का बयान भी हुकूक अल इबाद का जिक्र भी व अब वाला तशरी बिही भी व बिल नी एहसाना और अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो यानी शिर्क से मना किया जा रहा है और बबिल वाली

साथ बैठने वाले के साथ भला शुरू करो वो पड़ोसी जो रिश्तेदार भी हो उसका दोहरा हक हो जाएगा वो पड़ोसी जो अजनबी है रिश्तेदार पड़ोसी के मुकाबले में उसका एक दर्जा कम हक होगा हदीस शरीफ में आता है मुसलमान पड़ोसी का हक ज्यादा है काफिर पड़ोसी का हक हाँ, मुसलमान पड़ोसी से कम है यहां एक और पड़ोसी आ गया जम जम्बी पहलू का साथ ही साथ बैठने वाला एक बस के मुसाफिर गाड़ी के मुसाफिर ट्रेन के मुसाफिर जहाज के मुसाफिर यह भी हो सकते हैं एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक मस्जिद के नमाजी एक उस्ताद के शागिर कहीं भी साथ बैठ गए अल्लाह कहता है यह भी तुम्हारे लिए पड़ोस है इनका भी हक अदा करो क्या प्यारा दीन है मुस्तकिल ताल्लुक वालों के लिए भी और मुख्तर ताल्लुक वालों के लिए भी या मुख्तसर वक्त के लिए ताल्लुक वालों के लिए भी रहनुमाई अता हो रही है बबरी सबीली वमा मलकत ईमानकुम और मुसाफिर से भी हुसने शुरू करो और जो तुम्हारी मिल्कियत में है गुलाम और कनीस उनके साथ भी भला शुरू करो इम्ताल बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता उसे जो इतराने वाला और बड़ा मारने वाला हो तकबर अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है कौन है इस तरह के तकबर करने वाले आगे जिक्र हुआ वो लोग जो खुद बखल करते हैं कंजूसी और दूसरों को भी बुखल यानी कंजूसी सिखाते हैं क्यों दूसरे खर्च करेंगे तो इन पर बात आएगी तुम खर्च क्यों नहीं कर रहे तो खुद भी

वाला आदाब तैयार कर रखा है अल्लाह ताला आदाब की तरश से बचाए और अल्लाह बुख्ल कंजूसी से बचाए और अल्लाह अपनी नियमतों का शुक्राना अदा करने और अल्लाह तह में हमें खर्च करने की तौफीक अता फरमाए एक वफा लेते हैं उसके बाद इन शिलसिला दौरे तर्जु कुरान का रहेगा जारी असल वरम्ह व असल वरह वक्त नाजिक्राम खुश आमदी कहते हैं सिलसिला जारी है नाह का मतला कर रहे हैं गुज्तर आयत में अल्लाह सुबहान ने बुखल यानी कंजूसी करने वालों की मजम्मत का जिक्र किया था अगली आयत करीम से मुताला शुरू करते हैं सूर्य नसा की आयत नंबर अड़तीस रयाकारी और दिखावे के लिए खर्च करने वालों की मजम्मत का बयान आ रहा है आउजान बसमीम वह लदीर यून फिकून अन्नासी और वो लोग जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं अल्लाह इनको भी पसंद नहीं फ़रमाता वला युमिनून वलाबिल्ही वला बिल यौमिल आखिर और वो ईमान नहीं लाते अल्लाह तला पर और आखिरत के दिन पर अगर अल्लाह और आखिरत पर ईमान हो तो बंदा फिर अल्लाह की रजा के लिए खर्च करेगा ना कि लोगों के सामने तस्वीरें खिंचवाने के, के लिए और यहाँ पर नाम हासिल करने के लिए अल्लाह ताली दिआारी और शो ऑफ की हर शक्ल से हम सब की हफाजत फरमाए हदीस मुस्नद अहमद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लासात फरमाया मन तसद युरा फ़कत अशरका जिसने दिखावे का सदका दिया वो शिरक कर चुका

की भी इशारा जो दुनिया परस्सी में मुबतला ईमान का दावा था। दिल में नहीं थी। और दिखावे का कुछ अमल किया करते थे उनको भी जा रही है बिहिम अलीमा और अल्लाह उनको खूब जानने वाला है और अगर कोई नेकी हो तो उसको दुगना कर देता है वही उत्तीमिल्दन हुआ जर उदीमा और अपने पास से बड़ा अजर आता फरमाता है और वो अजर तो सात सौ गुना उससे भी बढ़कर अल्लाह ताला चाहे तो आता फरमाता है अगली आयत करीमा है बहुत दिल के कानों से सुनिएगा इस आयत करीमा को सुनकर रसूल सल्हुआ वसम रो रहे थे अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तैन का जिक्र बुखारी शरीफ़ की रिवायत हुजूर अली सलाम ने फरमाया कि मुझे कुरान तो सुनाओ अल्लाह अल्ला के रसूल साम के प्यारे साहब युष करते हैं यार अल्लाह आप पर तो नाजिल हुआ आपने फरमाया कि सुनाओ मुझे सुनना पसंद है उन्होंने सूर निसा की आयत कर, ति, की तिलावत करना शुरू की निगाहें नीचे थी तिलावत करते करते जब इस मकाम पर पहुँचे तो अल्लाह के पैगम्बर आल सलाम ने फरमाया कि हंस बुख हस बुख हस बुख अब्दुल्ला काफ़ी अब्दुल्ला काफ़ी है और जब अब्दुल्ल बिन मसूर ने निह उठाकर देखा तो हजूर आल सलाम की मुबारक आंसू में आंसू जारी

इमाम ख़ात लंबिया सल्ला वसलम ने तो गवाही दे दी और गवाही ले ली और गवाह बना दिया विदा का मौका सवाला का मजमा हजूर के सामने आपने फरमा अलहब्लख तो क्या मैंने पैगाम को पहुंचा दिया सब ने अर्ज़ की या रसोल्लाम आपकी हक नसीत हक वसीत हक अमानत अदा फ़रमा दिया फिर हजूर आलम ने अपनी हाथ की मुबारक उंगली शहादत फाली हजूर ने अपनी मुबारक उंगली आसमान की तरफ बुलंद फरमाई और अर्ज की अल्लाह तो गवार गवा रहे ये गवाही दे रहे अल्लाह मैंने पहुंचा दिया हुजूर सलाम तो गवाही दे गए ले गए गवाह बना गए उनको रोना आया मुझे और आपको रोना आता है आपको और मुझे भी कभी रोना आता है कल की हाजिरी के हवाले से आज अल्लाह का कलाम हम तक पहुंचा नबी सलाम की तालीम हद तक पहुंची हजूर तो गवाही दे गए हम कहाँ खड़े कल के लिए तैयार हैं हमें भी रोना आता है हमारी हार्ट बीट भी, भी कभी इस वजह से तेज होती है हमारी फ़िक्रें कभी इस वजह से आती हैं कि कल हमें जवाब देना हुझ। तो है सलाम तो रोए हैं कि मुझे उम्मत के ख़िलाफ़ गवाही देना होगी अल्लाह मैंने तो पहुँचा दिया तो इनसे पूछ इन्होंने क्या किया हमें रोना आता है कभी अल्लाह अकबर कबीरा

भुला दिया था हमें माफ़ फरमा दे। हमने दीन को फरामोश कर रखा था अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे अल्लाह हमें सच्ची पक्की तौबा की तौफीक दे अल्लाह कल हमें ना करना अल्लाह हुजूर के सामने हमें ना करना अल्लाह आज हमें तौफीक दे कि हम वाक़ता उम्मती होने का सबूत पेश करें अल्लाह आज हमें तौफीक दे हम उम्मत वाले काम में अपना हिस्सा डालें। अल्लाह आज हमें तौफीक दे हम तेरी इस दीन को सीखे भी समझे भी अमल भी करें और दूसरों तक पहुंचाएं, इसके निज़ाम को दूसरों के सामने पेश करें ताकि अल्लाह कल तेरे सामने सुरखरू हों और हजूर के सामने हमें रस्वाना होना पड़े अल्लाह हम सबको इसकी तोफ़ी अता फरमा यौम यदी यवदुल्लज़ीन कफरू व असदुर रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द उस दिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो तमन्ना करेंगे और जिन्होंने रसूल अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की वो तमन्ना करेंगे काश उन्हें मट्टी में दबाकर जमीन बराबर कर दी जाए यह भी अजीब मकाम है कुरान का कुफर करने वाले और रसूल सलाम की नाफरमानी करने वाले कुफर को और रसूल अली सलाम की नाफरमानी को अल्लाह ने इक्वेट कर दिया बराबर कर दिया कुफर करने वाले और रसूल की नाफरमानी करने वाले लीजियों। लीजियों। क्या आर्जू करेंगे काश मट्टी में दबाकर उनको जमीन बराबर कर दी जाए उन्हें खड़ा ही ना किया जाता हिसाब किताब के लिए रसूल आल सलाम की नाफरमानी कितना बड़ा जुर्म है इस आयत करीमा से अंदाजा किया जा सकता है वाला एक हदीफा और वह अल्लाह तब से कोई बात भी छुपा नहीं सकेंगे अगली आयत करीमा है जिसमें नमाज के बारे में एक जिक्र आ रहा है हालत जनाबत के बारे में एक जिक्र आ रहा है गसल के तालुक़ से बयान आ रहा है और तयम के तालु से बयान आ रहा है अल्लाह का क्या प्यारा कलाम है वह हमें तहारत के मसाइल भी सिखाता है सुबह नमें पाकिजगी का हसूल व भी सिखाता है एरशाद हुआ यादीना आमल तक रबातव तुम सुमान वालो तुम नमाज के करीब ना जाओ जबकि तुम नशे की हालत में हो हतलमा तहां तक के जान लो जो तुम कहते हो ये शराब की के बारे में दूसरा आया इससे पहले अलबक आयत नंबर दो सौ उन्नीस में जिक्र आ चुका है कि शराब और जुआ इसमें नफा कम नुकसान ज्यादा चौकन्ने जाओ अब बताया जा रहा है यह नशा इतना गंदा अमल है ये तो तुम्हें अल्लाह की याद से दूर कर देगा समझ जाओ नशे की हालत में नमाज के करीब नहीं जा सकते हो नमाज अदा नहीं कर सकते हो यहां तक कि तुम जान लो जो तुम कहते हो आदमी अपने होशो हवास में नहीं होता उसके बाद तीसरा आखिरी हुक्म हम बाद में पढ़ेंगे शाहत आयद नबे और इक्यानवे में जहां शराब और जुए की हरमत के बारे में हतमी और फाइनल और आखिरी हुक्म अल्लाह तला ने अता फरमाया एक बात तो यहां पर यह है दूसरी बात वला जुनूबन और ना हालत जनाबत में अब ये जनाबत किसे कहते हैं सुबहानल्ला खुदा पाक ने तो नहीं बताया ये तो रसूल पाकलाम तो तो ने बताया वो जो ने सुन्नत है जो सुन्नत रसूल का सिरे से इनकार करते हैं हदीस रसूल पाकाम को सिरे से नहीं मानते पता नहीं इन बेचारों को क्या समझ आती होगी वो जनावत किसे कहेंगे उन बेचारों को पता नहीं क्या समझ आएगी ये तो हजू ने बताया सल असलम यानी वो नाका नापाकि जिससे पाक होने के लिए हमें गसल करना पड़ता है उसको जनाबत की हालत कहते हैं ये तो हजूर ने तालीम दी है तो सुनत रसूल

असलाद नमाज के मकाम को भी कहा जा सकता है यानी मस्जिद तो जब बंदे पर गसल फर्ज हो जाए तो मस्जिद में दाखिल भी नहीं हो सकता कि रास्ते से गुजरना हो कभी वो हालत एहतिकाफ होती है मस्जिद में आती हो आदमी होता नापाक हो तो गुजरना तो पड़ेगा या बाहब कराम रजी मजमीन के घर इस तरह थे कि मस्जिद नबी के में से होकर गुजरना उनको पड़ता था तो अगर रास्ते से गुजरने की कैफियत पेश आ जाए मस्जिद में से होकर जाना पड़ जाए तो गुंजाइश वरना हालत जनाबत गसल फर्ज हो जाए तो बंदा मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता माँ रह नहीं सकता तक तीनों यहां तक कि तुम गसल कर लो मस्जिद

फिर पाक मट्टी से तयम करो फम सहो भी वो ही कुम व डी कुम मसा कर लो अपने चेहरे और अपने हाथों का यानी वो कैफियात कि जिसमें आदमी के पास पानी मयसर नहीं या यह कि अगर कोई बीमार है पानी का इस्तेमाल करेगा तो मुश्किल हो जाएगी या हालत सफर में बहुत थोड़ा सा पानी है कि जो खाने पीने के मामलत में इस्तेमाल में आएगा या फिर यह है कि तुम बैतुलखला से आए हो या तुमने औरतों से सोबत इख्तियार की और पानी मयसर नहीं तो क्या करो तयम की इजाजत दी गई मजदीद तफसीली अहकाम भी हमें सीखने चाहिए तो जब पानी मयसर नहीं है और वजू की जरूरत पेश आ जाए या गुसल की जरूरत भी पेश आ जाए यह इंटरेस्टिंग बात है वजू की जरूरत पेश आ या की जरूरत पेश आ जाए पानी नहीं है चेहरे के ऊपर फेर लिया और दोबारा पर, पर हाथ रखा और कोनी समेत अपने हाथों पर फेर लिया जनाब यह पाकिजगी अता हो गई अल्लाह तीन कितना प्यारा है ऐसे बदलते हालात में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो दिन फैसिलिटेशन हमें देता है और दीन आसानी, आसानी, आसानी खुद से निकाल निकाल कर आसानियां बात दुरुस्त नहीं है जो दीन ने आसानी आता फरमाई उससे हमें इस्तेफादा करना चाहिए कान गफूरा। बेशक अल्लाह सुबहान तला फरमाने वाला बहुत बख्शने वाला है आयतम तैतालीस तक बयान मुकम्मल हुआ पहले भी जिक्र आ चुका है इन तैंतालीस आयात में माशरती हिदायत के हवाले से कुछ शरीय के अहकाम हवाले के से गुफ्तु गु आई जैसे कि वरासत के अहकाम भी आए थे और अब ये गसल के बारे में जिक्र आया तयम के बारे में जिक्र आया अब जो सिलसिला कलाम है आहले किताब के हवाले से कुछ आयात में जिक्र आ रहा है और अर्ज किया गया था कि सूर्य नशा में सच्चे ईमान वालों का जिक्र भी है आहले किताब का जिक्र भी है और ईमान के झूठे दावेदार मुनाफिक उनका जिक्र भी आया है अलम नसीबा वयुरीदून वयुरीदून क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया और वो इख्तियार करते हैं गुमराही और चाहते हैं कि मुसलमान तुम भी सही राह भटक जाओ आहल किताब का जिक्र है कि दुनिया की मोहब्बत में डूबे और हक को फरामोश की अब चाहते कि मुसलमान भी राय हक से हट जाए और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है वह कफा बिल्ला और अल्लाह काफी है बतौर कारसास बिल्ला नसीरा और अल्लाह काफी है बतौर मददगार ये ईमान वालों को तसली अता हो रही कि तुम इनकी फिक्र ना करो आहल किताब की अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है यहूद का जिक्र आ रहा है अलबकर में भी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं मीना

और फिर चुपके से कह दे आपको सुनवाया ना जाए माद अल्लाह गुस्ताखी के अल्फाज ये यहूद कहते नबी आसम की शान अकदस में व रायना लयम बिल सिनत ही मतानफिद्दीन और रायना कहते अपनी जबानों को मरोड़ कर ताना जमी करते हुए दीन के मामले में वो राय खेच कर गुस्ताखी का अंदाज इख्तियार करते ये बात भी अलबकरा में आई कि राइना का मतलब नजर क्रम फरमाइए तोज्जो फरमाइए राइना का मतलब है ए हमारे चरवाए असतफरल्ला असतफरल ये है इनकी गुस्ताखियां जिनका जिक्र अलबकर में भी हम पढ़ चुके

या किताब आमिन ईमान लाओ उस पर जो हमने नाजिल किया उसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास पाक पर ईमान लाओ जो तौरात की तस्दीक करता है इससे पहले कि हम बहुत से चेहरे मस्क कर दें फिर उन चेहरों को उलट दें उनकी पीठ की तरफ औ नाबस या उन पर लानत करें जैसे हफ्ते वालों पर लान की थी हमने हफ्ते वालों का वाकया वाक़ा असावि का वाकया अल आराफ रुकू नंबर इक्कीस में हम तफसीर से पढ़ेंगे यहूद का एक यहूद की एक बस्ती थी और उन्होंने हीले इख्तियार की अल्लाह सुबहान तला की शरीय के तल्स से और फिर उनको बंदर तक अल्लाह तला ने बना दिया था अल्लाह अकबर यहां कहा जा रहा है ईमान नहीं लाते तो तुम्हारे चेहरे मस कर देंगे या उनको तुम्हारी पी की तरफ जो है पीठ की तरफ फेर देंगे या इन पर लानत की जाएगी जैसे कि हफ्ते वालों पर लानत की गई व ख्याण अमर मफूला और अल्लाह ताली का हुक्म पूरा होकर रहने वाला है अगली आयत करीमा में शिर्क की नफी रद, और बेशक अल्लाह ताला इस बात को को नहीं कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए शाह हाँ इसके सिवा जिस गुना को चाहेगा अल्लाह सुबहान बख्श देगा वरीकमा और जिसने अल्लाह तला का शरीक ठहराया बहुत बड़े गुनाह का बोहतान बांधा बहुत बड़ा बोहतान है ये अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना ये बात जो आयत नंबर अड़तालीस में हम पढ़ रहे हैं आगे चलकर आयत नंबर एक सौ सोलह में भी इसका तस्करा आएगा शिर की हर शक्ल से अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए और यहां जिक्र आ रहा है कि जो शिर की रविश पर आ जाए अल्लाह तला फिर उसको माफ नहीं फरमाता इसके सिवा जिस गुना को अल्लाह तला चाहेगा माफ फरमा देगा अल्लाह तला की जात में शरीक करना अल्लाह ताली की सिफ़ात में शरीक करना अल्लाह ताल की इबादत में शरीक करना अल्लाह ताल के हकूक़ में शरीक करना ये मुख्तिकस्में किस्में रियाकारी का रवैया भी शिरक का रवैया है अल्लाह ताल शर्क की हर शक्ल से मेरी आपकी हम सबकी हिफाजत फरमाई अलम तौरा <दिया> क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को बड़ा पाकिजा कहते हैं भले लुज्की मै शाह बल्कि अल्लाह तिसे चाहता है पाकिज की आता फरमाता है और उन पर खजूर की गुठली के धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा अल्लाह अकबर कबीरा यहूद का बयान है अपनी अपने मुंह अपनी तारीफे अपने मुंह मियाँ मिठ्ठू बनते थे अपनी तारीफे किया करते थे दूसरों को बिल्कुल जाहिल समझते थे और अपने इल्म और इबादत पर तकबर में मुबला हो गए इना वा इन्ना अल्ला वा अलः राज फ़रमा रहे तो अल्ला सुबहान तला है जिसको चाहते पाकिज़ की आता फ़रमाता है अल्लाह तला इबादत के तकबर से मेरी आपकी हम सबकी इफादत फरमाए हमारी औकात क्या है हम तो इतने मोताज हैं कि हम कहते हैं इया का ना अबू व ईया का न स्ईीन अम तेरी ये इबादत करते तुझी से मदद मांगते हैं उसकी तोफ़ी के बगैर उसकी बंदगी मुमकिन नहीं मेरी औकात यह हमारी औकात क्या कि हम अपने आप को कुछ समझने की कोशिश करें अल्लाह महफूज़ रखे और एक बड़ी गहरी बात अल्लाह तला ने बयान फरमाई फ़तील कहते हैं

मजीद आहल किताब का जिक्र चल रहा है उतु नसीब मिदल किताब मिनती क्या आपने लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का किस्सा अता किया गया वो ईमान रखते हैं बुतों पर और शैतान को मानते हैं यानी ताकूत से मरा शैतान भी है और तागूत को मानते हैं अभी अजीब बात है यहूद का जिक्र आ रहा है यहू तो अल्लाह को मानने वाले थे बुद्धों को कैसे मानेंगे मुसलमानों की दुश्मनी में इतने आगे गए कि ये यहूद मुशिकी मक्का के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश करना चाहते थे और काब बिन अशरफ यहूद का एक सरदार था वो मक्के मुकरमा में गया और मुश्किन के सरदारों के पास गया और कहा कि तुम्हारी मदद हमें चाहिए है तो मुश्किन के सरदारों ने कहा कि हमारे ये बुत है तुम इनको कैसा समझते हो कहा बहुत अच्छा समझते हैं और उसने मलओ सजदा भी कर डाला और कहा कि तुम बहुत अच्छे हो इन्ना ही إنا إليه راجعون तो अल्लाह बारे में फरमा रहा है कि आपने लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का अदा किया गया जिब थी वो ईमान रखते हैं पर। और ताबूत पर और ताबूत क्या शैतान को भी कहा गया और मुशिकीन के सरदार सरदारों को भी तावूत कहा गया इनको तरजीह दे रहे हालांकि पैगम्बर और किताबों के मानने वाले थे और काफिरों को मुराद मुशरों को कहते हैं कि यह ईमान वालों से ज्यादा राहर स पर हैं यह है यहूद की दीन दुश्मनी का मामला और दुनिया परस्सी में मुबतला होकर हक की मुखालफत पर इतने आगे गए इतने अंधे बन गए कि मुशरिक और उनके बुतों को भी अच्छा कह रहे और इन मुशरिकों को इन मुसलमानों के मुकाबले में अच्छा कह रहे हालांकि शिरक की नफी तमाम इल्हामी किताबों में मौजूद है इससे पता चला कि बंदा जब अंधा हो जाता है हक की मुखालफत में तो उसकी मत मारी जाती है और वह गुमराहि की इंतहाओं पर पहुँच जाता है अल्लाह तुमराहि की हर शक्ल से और ऐसे तसुबा की हर

क्या इनके पास सल्तनत का कोई हिस्सा है कोई इख्तियार ये लिए बैठे हैं अगर ऐसा हो तो ये लोगों को तिल के बराबर भी नहीं देंगे इतने कंजूस और बकील हैं दुनिया परस्त। अम परस्तून आता वो लोगों से इस पर हसद करते हैं कि जो अल्लाह ने उन्हें, उन्हें आता फरमाया अपने फजल से वही और हसद आ गया बनी इसराइल से नबूत देकर बनी इसमाइल को क्यों दे दी गई फकत आत आला इब्राहिम आतकन बस हमने अता की आल इब्राहिम को किताब और, और उन्हें हमने बड़ा मुल्क अता फरमाया पिछली किताबें अता हुई रसूलों को भेजा गया बड़ी बादशाहते अता की गई लेकिन फैसला किसका अल्लाह का अब उस अब्न तबी अकराना से सरफरा फरमायामिन फिर उनमें से कोई उस पर ईमान लाया और उनमें से कोई रुका रहा यानी उसने हक कबूल नहीं किया वक़ा भी जहन सीरा और जहन्नम काफी भड़कती थी आग के तौर पर अलह अजीर नाम सब आग के आधार से माफ

ताकि वो मुसलसल आजाब चखें इबन ला आजीजन हकीमा. बेशक अल्लाह ताला गालिब हमत वाला है अस्तर ये पेन रिसटर्स दर्द को महसूस करने वाले खलियात खाल में होते हैं इंजेक्शन की सुई लगती है ना

वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए लहूम फिया अज़वाज मुतहहरा उनके लिए उसमें पाकीजा बीवियां होंगी वनादुखुलुहुम जिल्लम झलीला और हम उन्हें घन... घनी छाओं के साय में दाखिल करेंगे अल्लासू का जन्नतफरदौस अल्ला। हम तो जिससे जन्नतफरदौस का सवाल करते हैं अल्ला में जहन्नम से बचाए और जन्नतफरदौस अता फरमाए एक वफ़ा देते हैं उसके बाद इन शिलसिला जारी रहेगा दौरे तर्जम कुरान का असलम वरहमत लाही वबरकू अस्सलाम वालेकुम असल वरह वक् नाजगर खुश आमदीद कहते हैं आप टी वी की लाइव नशरियात माहिर रमज़ान मुबारक के तल्ल से और दौरे कुरान का सिलसिला जारी हम अपना मुतारा शुरू कर रहे हैं सूरह निसा की आयत नंबर अट्ठावन से पिछली आयात में कुछ जिक्र आया अहले किताब का अब ईमान वालों के लिए बहुत कीमती हिदायत अता हो रही हैं और अब एक तवील सिस कलाम है जिसमें सच्चे ईमान वालों से भी मुखातबत हो रही है और ईमान के झूठे दावेदार मुनाफिक उनका जिक्र भी हमारे सामने आएगा मुतारा शुरू करते हैं सूरह निसा आयत नंबर अट्ठावन फिफ्टी बेशक अल्लाक देता है कि अमानते उनके हकदारों के हवाले कर दो ये बहुत कीमती हिदायत अदा की जा रही है इनफरादी मामला में भी और इजतमाई मामला जिंदगी में भी अमानत सिर्फ रुपये पैसे में नहीं होती मनसब और जिम्मेदारियों में भी तो जो एग्जीक्यूशन का मामला स्टेट के लेवल पर हो तो जिम्मेदारियां अहल लोगों के हवाले की जाएं इसमें वोट के मौके पर राय देने से लेकर जिम्मेदारियों के तयन करने और उन पर लोगों को फाइज करने के सारे पहलू शामिल होते हैं इस कदर तफसीली हिदायत अता हो रही है तो अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों को पहुंच दो इसी में बंदों के हकूक भी हैं कि जिनको अदा करना चाहिए क्योंकि वो हमारे जिम्मे अमानत और बंदों के हकूक हुआ करते हैं। इरा हकम तुम बमता और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करने लगो तो आदिल से फैसला करो ये अहम बात आ रही है जुडिशरी के हवाले से कभी खानदान के किसी बड़े को भी फैसला करना पड़ जाता है अलबत् जब रियासत मौजूद हो तो जुडिशरी का निज़ाम पूरा एक अदलिया का मौजूद हुआ करता है हुक्म दिया जा रहा है जब फैसला करो तो आदिल के साथ फैसला करो अल्ला की एक सिफत अलादिल और अल्लाह तयना को आदिल पर बनाया अल्लाह बंदो से मुतालबा करता आदिल करो अल्लाह बंदो से तकादा करता

लेजिस्लेचर के हवाले से बात आ रही है कानून साजी के हवाले से बात आ रही है और बहुत अहम हिदायत इंसरादी सतह से लेकर निज़ाम की सतह तक अता की जा रही हैं। या व यादीन आम अतीसूल ए ईमान वालो ताला की इताअत करो रसूल अली सलातम की इताद करो और उमर की सुबहान सुबहान है, है, है तो अल्ला के जरिएफाजत फरमाई अल्फाज पर गौर कीजिएगा अती की इताद करो अती रसूल रसूल की इताद करो अल्लाह त के साथ भी इताद का लफ्ज है रसूल के साथ भी इताद का लफ्ज है वह उम्र और तुम में से उम्र की जो भी साहिबान इख्तियारों उनकी इनके साथ इताद का लफ्ज नहीं आया उसूल क्या है अल्लाह ताला की इताद और अल्लाह के रसूल सलाम की इताद अनकंडीशनल है गैर मशरूत है हर हाल में है बट अल्लाह और उसके रसूल सलाम के बाद जो कोई भी है अब उससे खता का इम्कान है अंबिया मासूम होते हैं खताओं से पाक होते हैं बाकी सब तो क्या है खताकार है बाकी कोई भी हो वाले हो इस हो इधारे का सरबराह हो मुल्क का सरबराह हो अगर उसकी बात अल्लाह रसूल अल्लाम की टकराएगी तो वो नल एंड वॉल्ट करार दी जाएगी वहां उसकी बात नहीं मानी जाएगी सुबह अल्लाह हमारे कुछ तो कहते हैं हुक्मरान हैं जिम्मेदार हैं बड़े हैं भाई बड़ों की तो माननी चाहिए बड़े बिल्कुल बड़े रहें मगर बड़े अगर ऐसी बात करें जो सबसे बड़ी जात अल्लाह रब्बुलमी और उसके प्यारे पैगम्बर अलीसम की इता से टकराएगी तो इन बड़ों की बात छोटी हो जाएगी सबसे बड़ी बात अल्लाह और उसके रसूल की होगी सल अला हदीस है अबूदाउ शरीफ में बी अकरम सल्हसम ने फरमाया ला तखलूकाल मखलूक की ऐसी इत जायज़ नहीं जिसमें खालक की नाफरमानी होती हो तो यह है लजस्लेचर के तल्ल से पार्लियामेंट हो इदारे हों कानून साजी करें मगर कोई कानून अगर अल्लाह तला और उसके रसूल के हुक्म से टकराएगा तो वह बात नल एंड वाइड होगी उसका कोई उसका कोई जवाज नहीं बनेगा और कानून को बदलना पड़ेगा ये तकादे हो रहे हैं एक इस्लामी रियासत के तल्लु से भी फिम

में ऐसे जजेस मौजूद हो जो दीन का भी, रखते का भी रखते और एक आम आदमी हो अगर कोई ले जाए जाए। और वहां अगर साबित हो जाए कि कानून गलत बना तो अदलिया के जरिए से इस बात का हुक्म दिया जाए पार्लियामेंट के अफराद को कि भाई कानून आप बदलो क्योंकि कानून किताब सुन्नत के खिलाफ बना है कितनी अच्छी बात मैंने आपके सामने रखी आइडियल सिचुएशन है इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए बड़ी जिद्दोजहद की ज़रूरत है और उसके लिए अल्लाह के दीन का ग़लबा उसकी जिद्दोजहद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है जब दीन गालिब होगा तब इस पूरी रूह के साथ अल्लाह की शरीयत पर ज़िंदगी के तमाम गोशों में इनफरादी मामलातों इजमाही मामलात हों अमल दरामद किया जा सकेगा इन वल आखिर अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर अल्लाह और आखिरत पर ईमान अगर होगा तो बंदे इनफरादी मामला और इजनिमाई मामला दोनों में अल्लाह ताला और उसके अलैहि अलातम की इताद का अहतमाम करेंगे अहसनु तावीला ये बेहतर है और इसका अंजाम बहुत उमदा है क्या बेहतर है अपनी नहीं चलाओ अल्लाह और उसके रसूल सलाम की मानो मेरी मर्जी नहीं करो अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की मर्जी के ताबे करो अब अल्लाह के प्यारे पैम्बर सलाम की मंशा और तालीम के मुताबिक कर लो इसमें बेहतरी है और इसका अंजाम बहुत उम्दा है अब जिक्र आ रहा है कुछ मुनाफिकीन के तलुक से भी पहले भी जिक्र किया गया था सच्चे ईमान वालों से खिताब भी हो रहा है इन आयात में तवीस हिसला है और ईमान के झूठे दावेदार मुनाफिकीन का जिक्र भी आएगा कलमा गो तो थे ना कलमा पढ़ते थे मगर दिल में ईमान नहीं था लीगली स्पीकिंग देवर मुस्लिम बट हकीकत के एतबार से वो अंदर ईमान नहीं रखते थे लेकिन भारत क्योंकि कानून क्यों की सतह पर कलमा गो मुसलमान थे उनका जिक्र मुसलमानों के साथ साथ आ रहा है अलम तरा इल्लललदैन यज़अमुन अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका क्या आपने लोगों को नहीं देखा जो ये दावा करते हैं कि वे उस पर ईमान ले आए हैं जो आप अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया गया वमा उनज़िला मिन कबली का जो आप अलैहिस्सलाम से पहले नाज़िल किया गया युरिडून अययतहकमु इलतौत वो चाहते हैं कि आपने मुक़द्दमा ताघूत के पास लेकर जाएं मुराद यहूद के सरदार ये मुनाफिक देखते हैं कि ये फला मामले के अंदर तो वहां से अच्छा हुक्म मिलेगा हमारे मतलब का फैसला मिलेगा तो चलो वहां चलो जाके यहूद के सरदारों से फैसले करा लो इनका जिक्र आ रहा है हाकमु इला नयकमूती वो चाहते हैं कि अपना मुकदमा ताहूत यानी सरदार जो थे कुफार के यहूद के उनके पास लेकर जाए वक़्त अमिरु अय फुरूबी हालांकि उन्हें यह हुक्म दिया गया था कि वो इसका इनकार करें तावूत का इनकार करना लाजिम है ना कि उसकी बात मानना

अल्लाह ने नादिल किया पाक उसकी तरफ आओ और रसूल अली सलाम की तरफ आओ अल्लाह ताला की इताद भी जरूरी और अल्लाह के पैगम्बर अली सलाम की इताद भी जरूरी मुनाफिकीन मुनाफिका तो आप मुनाफिकीन को देखेंगे कि वो रू गर्दानी करते हुए मुंह मोड़ लेते हैं वो हुजूर की तरफ नहीं आना चाहते हुजूर की बात को नहीं सुनना चाहते हुजूर के फैसले को नहीं मानना चाहते गोया के सुन्नत के इनकारी थे आज भी एक तबका तबका है लोगों का जो इंकार सुन्नत करते हैं सिरे से सुन्नत हदी सुन्नत रसूल और हदीस रसूल सलाम का इनकार करते हैं तो ये कुरान जिक्र कर रहा है मुनाफिकीन की ये सिफत थी उनका एक जुर्म था कि एतात रसूल से भागते थे एतात रसूल से फरार इख्तियार करते थे कभी आपने जुमले सुने होंगे हमारे बहुत चलते हैं मीडिया पर भी चलते हैं और तालीमी इदारों में भी भाई कुरान में क्या लिखा है बताओ कुरान में क्या लिखा है बताओ तो इस जुमले से एक बात तो आ जानी चाहिए वाजह तौर पर सामने ये पूछो कुरान और हदीस में क्या लिखा है

कैसी नदामत होगी जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचे उसके सबब जो उनके हाथों ने आगे आमाल भेजे फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला की कसमेंगे मुआफ़त चाहिए खास एक दो वाकत इसके पस मंजर में है उसके तनाजुर में बात आ रही है जरा मुश्किल इन पर आ पड़ी तो कहने लगे हमने तो मुआफ़त चाहिए थी आसानी का मामला चाहा था ये वो लोग अल्लाह तला जानता है जो कुछ इनके दिलों में है फिदान होम वाहिद होम वकुल लहमी असीम का उलम तो नबी अलैहि वसल्लम आप इनसे दरगुजर कीजिए और इनको नसीहत फरमाइए और इनसे इनके हक में असर कर जाने वाली बात कहें ये फ़रार तो इख्तियार कर रहे हैं आपके से कलमा पढ़ चुके हैं आप नजर करम कीजिए नसीहत का मामला कीजिए दरगुजर का मामला कीजिए और इनके हक में दिल में असर करने वाली बात बयान करते रहिए हज़ू साम की शफकत का भी तकादा और इन तक भी हक़ पहुँचता रहे इस जिम्मेदारी की तरह तोज् दिलाई गई अब एतात रसूल की अहमियत पर अगली दो आयात भी बहुत अहम और हमने नहीं भेजा किसी जो आते रहे, उनका काम फकर और नबीम तेरान साहिब कुरान दोनों हमारे लिए जरूरी क्यों भेजे गए अल्लाह क्या चाहता है अल्लाह की मंशा क्या है अल्लाह राजी कैसे होगा ये क्या करेंगे तो अल्लाह राजी होगा अल्लाह ने हराज बंदों से मामला नहीं फरमाया अपने चुने हुए पैगम्बरों के जरिए से मामला फरमाया तो पैगम्बर की इतात लाजिम

अगर गलतियां हो तो नबी पाक अली के तो तुम्हारी लिए आसानी का, मफरत का, रहमत का मामला फरमा देगा अल्लाह तला हजूर आलम ने बहुत सी दुआ उल्ला उन दुआओं में मेरा आपका हमारी पूरी उम्मत का हिस्सा शामिल फरमाए अगली आयत करीमा भी दिल के कानों से सुननी है और ए ता रसूल अली तो बहुत जामे आयत कुरान पाक की फरमाया फला <सभी> वब्बी का ला यु हत्ता ना यू फीमा शजरा बैनहुम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब की कसम यह हरगिज मोमिन ना होंगे जब तक के उस मामले में जिसमें झगड़ा पड़ जाए इनके दरमियान आपको हकम यानी मुनसिफ ना माने अपने मामला में अपने झगड़ों में बहसों में ओशूज में जब तक आपको डिसाइडिंग फैक्टर यानी डिसाइडिंग पर्सनैलिटी ना माने और फैसला करने वाला ना माने مما फुमता फिर वो अपने दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से कोई तंगी भी ना

रोक चुके हैं हमें अब उन सारे की इस से करना कि हुक्त में में तंगी महसूस ना हो और अपने आप को पूरे तौर पर जब जब हो जाए पूरी जान के साथ तब तक ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता यह इताते बड़े भारी तक हैं जिस मकाम पर हमारे सामने आए सलाफिकीन पर सरदनिश का मामला فلو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم أَوْ من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم और अगर हम उन पर फर्ज कर देते कि तुम अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घर बार को छोड़कर निकल जाओ तो उनमें से चंद एक के सिवा वो कभी ऐसा ना करते बनी साइल पर भी ऐसे भारी अहकाम आए थे अगर तुम्हें दे दिए जाए तो तुम्हें से चंद एक के सिवा कोई भी इनकाम की पासदारी ना करे बीता और अगर ये लोग वो करते जिसकी उन्हें नसीहत की जाती है तो ये इनके लिए बेहतर होता और दीन में साबित कदमी का बायस होता जो अल्लाह तसूल सलाम बयान फरमा रहे इस पर अमल करें तो इनको दीन में साबित कदमी आता होगी अपनी अकल के घोड़े ना दौड़ाएं अपने आप को ताबे करें अल्लाह ताला और उसके रसूल अलैहि सलाम की तालीम के व इदल लातिनाहु मिन लदुना अजरन अजीमा और इस सूरत में हम उन्हें अपने पास से बड़ा अजर आता फरमाते वला हदीनाहुम सिरात मुस्तकीमा और हम उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाते

इनाम का लफ्ज याद आया सिरा अलीम अल्लाह उनका रास्ता जिन पर तो ने इनाम फरमाया अल्लाह ने इनाम किन पर फरमाया चार गिरोहों का जिक्र आ रहा है और इन चार गिरोहों के साथ अल्लाह किन को शामिल फरमाएगा जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सलाम की इताअत करेंगे पर बड़ा जोर आ रहा है rasul, और जो इतात करे अल्लाह तसूल तो यही लोग हैं उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह तनाम फरमायाबीना व सिद्दीकी व शुहदाबिया और सिद्दीकीन और शहदा और सालीन अंबिया तो अल्लाह के चुने हुए बंदे नबूवत का दरवाजा हो गया बंद सिद्दीकीन आम वो नेक लोग जिनके अंदर गौर का फिक्र का पहलू नस्बता ज्यादा होता है शहदा वो नेकलो के जिनमें भाग दौड़ का हरकत मेहनत स्ट्रगल जिदोजहद वाला जज्बा नस्बता ज्यादा होता है सालहीन आम नेक लोगों को कहा जाता है ये चार गिरोहों का जिक्र आया अम्बिया सिद्दीक शहदा सालिहन ये अल्लाह तला के इनाम याफ्ता बंदे और इनके साथ अल्लाह के इनको शामिल फरमाएगा जो अल्लाह तला के रसूल आलम की इताद करेंगे वह हसनई का रफीका और क्या और ये क्या

और अगर अल्लाह ने फ़दल फरमा कर जन्नत अता फ़रमा दी तो या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम एक और बात रुलाती है वो ये है कहाँ आप मकाम बुलंद पर होंगे मक़ाम महमूद हम न जाने कहाँ होंगे तो आज आपकी सोहबत मयसर है हुजूर ये साथ तो मैसर नहीं आ सकेगा इतने प्यारे अंदाज से ये ज़रा दिल का दर्द था उनका एक ख्वाहिश चाहत थी एक फ़िक्र और परेशानी थी अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई ये आयत करीमा नाजिल हो रही और साहब कराम ने फरमाया कि जितना इस आयत के नज़ूल पर हमें खुशी हुई इससे पहले कभी नहीं हुई कि कल अल्लाह के रसूल का साथ में मयसर आ सकता है कल अल्लाह के रसूल की सोहबत मयसर आ सकती है कल अल्लाह के रसूल की कंपनी हमें मयसर आ सकती है शर्त क्या है अल्लाह ताला और उसके रसूल की इतात पर आओ अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकाम की पासदारी करो अल्लाह त के रसूल की नाफरमानी से अपने आप को बचाओ आपकी मेरी फ़िक्रें क्या हैं आपकी मेरी परेशानियाँ क्या हैं आपकी मेरी फ़िक्र और टेंशन क्या है कभी हमें भी बात और लाती है कि पता नहीं जन्नत मिलेगी या नहीं और कभी ये बात भी हमें रुलाती है कि हुजूर का दीदार मिलेगा ही नहीं और हुजूर का साथ मिलेगा ही नहीं हुजूर का पड़ोसी मिले पड़ोस मिलेगा ही नहीं क्या ये फ़िक्र हमारी फ़िक्र है वह हसन उला का रफीका और क्या उम्दा है। ये उम्दा साथी हैं जारिनला की तरफ से फजल है वह कफाबल् आदिमा और अल्लाह ताली काफ़ी है इल्म रखने वाला अल्लाह के इमें सब कुछ है

और तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई फदल पहुंचे तो जरूर कहेगा गोया कि जबकि न थी तुम्हारे और उसके दरमियान कोई दोस्त थी क्या कहेगा या लई तनी कुम तुम अवीमा अकाश में इनके साथ होता तो बड़ी मुराद पाता दुनिया परस मुनाफिक अच्छा हुआ मैं नहीं किया मुसलमानों को नुकसान हो गया मेरी जान बची अरे मैं तो जाना मुसलमानों को फता मिल काश साथ होता। तो मालिक गनीमत में से मुझे बस चाहिए कि अल्लाह की राह में जंग करें वो लोग जो दुनिया की जिंदगी कुर्बान कर देते हैं जिसको मौत से मुहबत है क्यों उसके बाद ही तो अल्लाह से मुलाकात है तो जो आखरत का तलब गार होगा वह जानकर नजराना पेश करने के लिए तैयार होगा मोहब्बत करेगा उससे पेश होने के लिए तैयार होगा बिल आखिर फरमाए यशरून हयात दुनिया बिल आखिर अल्लाह के राह में चाहिए किताल करें वो लोग जो दुनिया की जिंदगी बेचते हैं आखरत के बदले उनका मकसूद मतलूब आखरत की कामयाबी है वमयोकिल फी सबी फ़ैक तल अगलिब फसो फ़नती ही अजरन अधीमा और जो अल्लाह ताला के रास्ते में जंग करे फिर कत्ल कर दिया जाए मुराद शहीद या गालिब आ जाए हम अनकरीब उसे बड़ा अजर आता फरमाएंगे शहीद हो गया तो हयात जावेदा गाजी बनकर लौटे तब भी अजर सवाब उसके लिए वमा लकुम ला तो सबीदिलदा और तुम्हें क्या हो गया तुम अल्लाह ताला की राह में जंग नहीं करते वल मुस्दाफी और कमजोर बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर तुम जंग नहीं करते अल्लाह ताला की राह में वो लोग जो कहते हैं दुआएं करते हैं

और वहां से हिजरत फरमा कर मदीना शरीफ आ चुके हैं हिजरत मदीना हो चुकी है कुछ आहल ईमान अभी मक्का में रह गए कमजोर हैं बेबस हैं मर्द बूढ़े बच्चे दुआएं करते हैं अल्लाह ताला से अल्लाह अल्लाह के पैगम्बर अभी तो दुआ फरमा रहे मदीना शरीफ में अल्लाह मक्का मुकरमा में जो रह गए फला 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 की मदद फरमा आठ हिजरी में फतेह मक्का हुई है और अल्लाह के रसूल दस हजार का लश्कर लेकर गए और सारे के सारे जो है वो अल्लाह के फजलो करम से रहमत में आ गए आज ये पुकार लगी हुई है उम्मत दो अरब मुसलमानों पर मुश्तमिल है और कहां कहां मुसलमानों का खून नहीं बहता यह पुकार तो लगी हुई है कि कब मुसलमान खड़े होंगे अपने भाई और बहनों की हिफाजत के लिए और उनकी नुसरत के लिए अल्लाह ताला हमें और हमारे जिम्मेदारों को इस पुकार पर लब्बई कहने की तोफी अता फरमाए एक वफा लेते हैं उसके बाद इन शसले कलम सिसले कलम दौरे तर्ज कुरान का रहेगा जारी असल वरह वबरकू असल वरह वबरकू नाजिक्राम खुश आमदीद कहते हैं दौरे तजम कुरान का सिलसिला जारी सूरत निसा का हो रहा है मताला और कताल के जिक्र के हवाले से भी बात हमारे सामने आई मताले आगे बढ़ाते हैं कताल फी सभी का मजीदिक पिछली आयत करीमा में कमजोर मर्दों औरतों बच्चों की दाद रसी के लिए हुक्म दिया जा रहा है और कताल फी सब्ला का एक अहम मकसद ये भी सामने आया मजलूम मुसलमानों की दाद रसी के लिए उठना चाहिए अल्लाह सुबह तौफ़ी ख़त फरमाएँ मताले आगे बढ़ा दें सूर नस्ाह की आयत नंबर छिहत्तर से بالله من بسم الله الرحمن الذين آمنوا जो लोग ईमान लाए वो जंग करते हैं अल्लाह तह में युकातिलून फी नफी सबी और जिन लोगों ने कुफर किया वो जंग करते हैं ताबूत के रास्ते में फकौतलुलियाम तो मुसलमानों तुम शैतान के साथियों से जंग करो कुफर के सरदार जिन्होंने लोगों को मजनूम बनाकर रखा हुआ है और उनको दीन कबूल करने की इजाज़त नहीं देते उन पर म सितम के पहाड़ तोड़ते ऐसे काफरों के सरदारों को कहा जा रहा है कि शैतान के साथी हैं इनसे जंग की जाए इम न कैद शैनिका नीफा बेशर शैतान का फरेब बहुत ही कमज़ोर है इसके बाद आए थे करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्की दौर के हवाले से नबी एक तालीम और एक स्ट्रेटजी का जिक्र फरमाया है आप और हम जानते हैं कि मक्का मुकरमा के तेरह बरस सबर ही सबर की तलकीन थी मक्के के तेरह बरस तीन सौ साठ बुत रखे हुए थे उनको हाथ नहीं लगाया गया कोई जंग नहीं हुई मगर एक जमात तैयार हुई है कुरान की दावत दी गई कुरान की दावत कबूल करने वालों को जोड़ा गया उनकी तरबियत की गई मुनजम किया गया सबर के मराहल से गुजारा गया उस बात की तरफ भी इशारा और फिर निफाक में मुबतला हो जाने वाले चंद लोगों की कैफियत पर अल्लाह तला की तरफ से तबसरा है क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कहा गया कि अपने हाथ रोक लो वह अकीम उससला जका और नमाज कायम करो और जक़ात अदा करो हाथ रोके जाने का अमल मक् मुकरमा में बयान आ रहा है सूरह निसा में जो कि मदनी सूरत है आई रिपीट अगेन हाथ रोके जाने की कैफियत तेरह बरस मक् मुकरमा में थी उसका जिक्र आ रहा है मदनी सूरत में सूरह निसा में मालूम हुआ हुक्म हुजूर ने दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी कन्फर्मेशन अल्लाह की तरफ से आ रही और हुजूर जो हुक्म देते हैं वो अपनी जात से कुछ नहीं फरमाते अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं फरमाते इन हुआ सूरह नजम आयत नंबर चार जो हुक्म हुजूर फरमाते हैं वो अल्लाह ताला की वही के ही मुताबिक होता है

डर हो या उससे भी ज्यादा डर जारी बात तो थे तो आए थे।, थे उनको बड़ी परेशानी हो रही तो जान ही चली जाएगी लिमा और उन्होंने कहा कि ए हमारे रब, हम पर किताल करना, करना कर दिया ला अखरतना करीब हमें और थोड़ी सी मुद्दत के लिए मोहलत क्यों न दे दी नबी आजी सला फरमा दीजिए मता और दुनिया कलीन दुनिया का फायदा थोड़ा सा है वल आखिर और आखिर बेहतर है तकवा इख्तियार करने वालों के लिए वला तो नफतीला और तुम पर धागे के बराबर भी खजूर की गुटली के धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा रहा मौत का मामला क्या ख्याल है कि कताल का तकादा आ जाए शराइब पूरी हो वी यस वी अग्री कि कताल का हुक्म है शराब के साथ शराब पूरी तो जंग भी की जाएगी अगर आ जाए तो तुम झीच हो क्या अच्छा तो कितार से जी चरा क्या तुम बच जाओगे तुम्हें मौत बचे आएगी क्या बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़े बड़े खुदाई तक के दावे करने वाले क्या बचे तुम कैसे बच जाओगे हाँ और कितार से जीत उड़ाकर क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी ऐसा नहीं इन तो सिब हसन हाद ही मिन इंदिल्ला और अगर उन्हें कोई भलाई पहुंचे तो वो कहते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से है वह इम तो सिब हम से यह तुम यकुल हाद ही मिन इंदिग और अगर इन्हें कुछ बुराई पहुंचती है तो कहते हैं ये आपकी तरफ से माद अल्लाह माद अल्लाह जरा नुकसान का मौका आता मुनाफिक कहते हैं ये नबी आली सलात वाम के फैसलों की वजह से यह गुस्ताखी और बेदबी इन लोगों ने की है कुल कुल्लु मिन इंदिल्ला ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमा दीजिए सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मादल्ला, मादल्ला। हसनतिन फमीन ए ए सुनने वाले, तुम्हें जो भलाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से होती है मा फमीन नफसिक। और तुम्हें जो कोई बुराई पहुंचती है वो तुम्हारे अपने नफ की वजह से अपने हाथों का ही किया धरा होता है अब हुजूर अली सलाम से के वह सी रसूल और हमने अलैहि सलाम आपको रसूल बनाकर भेजा और हुजूर तो लिल आलमीन है सल्लल्लाहु वसल्लम आप तो सराब पर रहमत ही रहमत बनकर आए हैं वह कफाबल्ला शहीदा और अल्लाह ताला काफी है बतौर गवाह अगली आयत करीमा फिर एतात रसूल की अहमियत के हवाले से मैं यु तेब रसूल सलाम की इतात की उसी ने अल्लाह सुबहान की इतात की देखिए एतात अल्लाह की औरगैनिक होल है इतात करनी तो अल्लाह की है करें कैसे रसूल्ला से पूछे सल्लाम कुरान नमाज का हुक्म देता है अल्लाह के लिए नमाज अदा करनी कैसे अदा करें हजूर की इतात करोगी तो नमाज अदा होगी तब अल्लाह के हुक्र पर अमल होगा और सुबह अल्लाह हमारे उस्ताद डॉब रहमुल्ला बड़ा ही अजीब नुकता बयान फरमाया और आहल इल्म ने भी बयान फरमाया हुजूर की पहले है हाँ हुजूर के तरीके पर नमाज अदा करूंगा तो अब अल्लाह के हुक्म पर अमल होगा तो ये दोनों बातें साथ साथ जुड़ी हुई हैं अल्लाह ताला की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत एक ऑर्गेनिक होल रसूस की इतात की यकीन उसने की इतात की वन तो हफीबा और जिसने रू गर्दानी की रुख फेर लिया तो हमने ए नबी आम आपको इन पर निगेबान बनाकर नहीं भेजा ये अगर इता से फरार इख्तियार करते खुद अपने जिम्मेदार होंगे फिर मुनाफीन का जिक्रतुम और वो मुंह से तो कहते कि हमने माना बराजू मिन जब बाहर जाते हैं आप के पास से तो उनमें से गिरो रात को उसके खिलाफ मशवरा करता है जो वो कह चुके हुजूर के सामने बैठकर दावा करते मानेंगे और रात को जब तनहाई में अपनी मजलिस सचनी है तो उसके बरक्स बातें करते हैं जो हजूर के मजलिस में करार करके आए थे सल्लाह यक्तुबु मा युब और अल्लाह ताला लिख लेता है जो रात को ये मशवरे करते हैं अल्लाह ताला तो हर बात से वाकिफ है फ़आरद व तो बस ए नबी अलैहि आ सलाम आप इनकी परवाह ना कीजिए और अल्लाह ताला पर भरोसा कीजिए व कफा कफाबल्ला वकीला और अल्लाह काफ़ी है बतौर कारसाज मुनाफिकीन को एक दावत दी जा रही है और वो दावत हम सबके लिए भी है कुरान कुरान पाक के ताल्लुक से ईमान दिल में नहीं है उसकी वजह क्या है कुरान से दूरी कुरान से ईमान मिलता है हकीकी ईमान

कुरान एक बड़ा मरबूत कलाम है हाँ लोगों का इल्म कम हो सकता है फहम में कमी हो सकती है अल्लाह के कलाम में तो जामयत ही जामयत है इसमें कोई नहीं पाया जाता इशारा क्या है कुरान पर गौर फिक्र करोगे इल्म हमत भी तुम्हें मिलेगा और इल्म भी तुम्हें मिलती रहेगी और ईमान की दौलत भी मिलेगी सोन फाल की आयत नंबर दो है तुरियत ए तुरीत आयात ईमान जब जब उनके सामने अल्लाह ताला की आयत की तिलावत की जाती है उनके ईमान में इजाफा हो जाता है फरमाया वह इम अमर من الامن ابي الخوف اذاع به और जब उनके पास कोई अमन की खबर आती है या खौफ की तो उसको मशहूर कर देते हैं हंगामी हालात हैं मुश्किल के साथ जंग के मामला चल रहे हैं इन हंगामी हालात में अफवाहों की रोकथाम के लिए रहनुमाई अता की जा रही है ये अहद के बाद के हालात को जहन में रखिएगा फरमाया कि जब इनके पास कोई अमन की खबर आती है या खौफ की खबर आती है तो उसको मशहूर कर देते हैं वलो रद्दूह इला रसूल व इला उलम्री मिन हम और अगर वो उसे पहुंचाते रसूल अल्लाम की तरफ या साहिब इख्तियार लोगों की तरफ जो उनमें से हैं ला अली माहीन बी न होम इन होम तो उनमें से जो लोग तहकीक कर लिया करते हैं वो उसको जान लेते मुराद ये है कि देखो जो लोग फाहम रखते हैं जिम्मेदार हैं अहम खबरें उन तक पहुंचनी चाहिए फिर उनको जो डिसीजन लेना वो डिसीजन ले लें अफवाहें जब फैलती हैं तो माशरे में के और इंतजार पैदा होता है और खम खाँव परेशानियों का शिकार हो जाते हैं लोग तो सही प्लेटफॉर्म पर बात को पहुंचाया जाए इसकी रहनुमाई रहनमाईता की गई और यह हम हर दौर के हालात के अतबार से रहनुमाई मौजूद है कलीला

कफरू। है की जंग का जोर रोक दे। और बहुत सख्त है, है सजा देने में और ईमान वालों के लिए वही काफी और कुफार को कुफार से निमटने के लिए भी अल्लाह ही काफी है अगली दो आयात में चंद माशरती हिदायत हमें आता हो रही बड़ी प्यारी हिदायत इशाद हुआ मैं यशफ़ा अशफ़ा अतन हनत यकुल्लहु नसीब मिनहा जो कोई नेक बात में शफात करे सिफारिश करे तो उसके लिए उसमें से हिस्सा होगा वह मैं यशफ़ाशफ़ा आता सईं यकुल्हुफ़ल मिनहा और जो कोई शफात करे बुरी बात में तो उसके बोझ का हिस्सा भी उसको मिलेगा शफात सिफारिश सिर्फ नौकरी की नहीं होती किसी को नेकी की तरकीब दिलाना किसी को खैर की तालीम देना किसी को बदी से रोकने की कोशिश करना किसी की असलाह की कोशिश करना किसी को किसी की मदद करने की तरगीब दिलाना ये सब सिफारिशें हैं हमारा एक ही सिफारिश पे रुका रहता है नौकरी के के हवाले से ये सब सिफारिशें तो खैर काम में सिफारिश करोगे अजर मिलेगा और शर के काम में किसी को गुनाह की दावत दे रहे हो फला मूवी पे लगा रहे हो फला बेहिया के काम पर लगा रहे हो जो बुराई की सिफारिश करेगा उसका वबाल उसका एक हिस्सा इस सिफारिश करने वाले को भी मिलेगा वो अब हम देख लें कि हमारी सात से माशरे में क्या फैल रहा है खैर फैल रहा है शर फैल रहा है खैर फैलाें तो सदका जारिया होगा शर फैला रहे अकबर तो गुनाह जारिया भी हो सकता है अल्लाह महफूज रखे व ख्यान अल्लाक मुकीता और अल्लाह ताला हर हर शह पर कुरत रखने वाला है अब अगली आयत करीमा में में आदाब से सलाम के हवाले से पेश करे सलाम कहे तो तुम उससे बेहतर दुआ दो या वही कह दो किसी ने कहा अलैकुम तो बेहतर क्या रहमतुल्लाह और उतना क्या वाले कह दे तो ऐड कर करने अब आगे सवाल आते जब वबरकत भी कहते हैं तो बस भाई इससे आगे सलाम के अल्फाज नहीं फिर आप गर्म जोशी से जवाब दें वालेकुम असलम वरहि बस इतना ही सलाम इतना ही जवाब साबित है तो वैसे ही दुआ दे दो वैसे ही दुआ दे दो या उससे बेहतर उसको तुम दुआ कह दो यानी अच्छे अल्फाज से बेहतर अल्फाज से ज्यादा अल्फाज से जवाब दिया जाए सलाम क्या है अल्लाह ताला का एक नाम अस्सलाम। और अस्सलाम जब हम कहते हैं तो एक दूसरे के लिए सलामती का ऐलान भी कर रहे होते हैं और इससे अल्लाह के प्यारे नबी आलिया ने फरमाया कि माशरे में खैर फैलता है अल्लाह के नबी आलाम से पूछा कि बेहतरीन इस्लाम क्या है फरमाया लोगों को सलाम करना और लोगों को खाना खिलाना इमन आलाकुल्लिस बेशक अल्लाह सुबहान तला हर शह का हिसाब लेने वाला है अल्लाह महासिबना हिसाब ये अल्लाह हम सबके हिसाब को आसान फरमा ला उसके सिवा कोई महबूद नहीं इकट्ठा फरमाएगा इसमें कोई शक नहीं वमन असन हदीसा और कौन ज्यादा सच्चा है बात के अतबार से अल्लाह सुबहान तस्से सच्ची बात किसकी है अल्लाह सुबहान की फिर मुनाफिकीन के हवाले से ईमान वालों को कुछ रहनुमाई अता हो रही है فِي فِي क्या हो गया है कि मुनाफिक के बारे में तुम दो गिरोह हो रहे हो मुसलमानों दो राय तुम्हारी क्यों बन रही है और अल्लाह तो इन मुनाफिक को इनके गुनाहों की वजह से जो कमाई इन्होंने की ओंधा कर दिया है क्या, तुम चाहते हो कि उसको राह पर लाओ जिसको ने गुमराह कर दिया गुमराह कर दे तुम हरगिश उसके लिए कोई राह नहीं पाओगे वो चाहते कि काश तुम भी काफिर हो जाओ जैसे वो काफिर हो गए यार ये तो हक़ से दूर हो गए अब मुसलमानों तुम्हारे बारे में भी चाहते तुम भी हक से दूर हो जाओ माजल्ला सवा फिर तुम बराबर हो जाओ फला फलाम अवलिया फिर पसनमें से किसी को दिली दोस्त ना बनाना हपता यहाँ तक कि वो अल्लाह राह में हिजरत करें मुनाफिकीन पर रसूल भी भागे भारी थी सल कताल करना भी भारी था हिजरत करना भी भारी था मदीना शरीफ के दाए बाएं कुरब जवान में कबाइल में कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया इनसे अब तक था मदीना शरीफ में आओ यहाँ मुसलमानों का इकट्ठ हो गया और मुसलमानों की जमात मजबूत हो रही है तो इनसे कहा हिजरत करके आओ जब तक हिजरत करके ना आए कुरान पा कह रहा है मुसलमानों को इनसे दिली

इसके एक बताया जा रहा है इल्ला इला वा मगर जो हैं ऐसी कौम से तुम्हारे और उनके मुआहदा मौजूद है, है। हसीरत या वो तुम्हारे पास इस हाल में आए कि उनके सीने उनके दिल इस बात से तंग हो चुके हैं तुमसे जंग करें या अपनी कौम से जंग करें तो इनके बारे में है। एक वो मुनाफिकीन साजिशी अनासिर के जिनकी साजिशें बढ़ती जा रही हैं उनके खिलाफ तो जंग का हुक्म भी दिया जा रहा है एक बड़ी शदी धमकी आ गई मुनाफिक के लिए अगर ये ऐसी कौम में जिनके साथ मुसलमानों का कोई वादा है तो वादे की पासदारी है कि फिर इनकी जानों को अमान मिल जाएगी या ऐसे लोग हैं जो तुमसे नहीं लड़ना चाहते ना अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं और वो साजिशी नहीं है तो ठीक है उनको भी इसना हासिल है उनके खिलाफ मुसलमान को इकदाम नहीं करेंगे देखिए जिस पस मंजर में आयात नाजिर हो रही हैं उस दौर को जहन में रखिए नबी पाक अली सलाम का मुबारक दौर मदीना शरीफ का जब मुश्किन से भी कताल का मामला चल रहा है हंगामी जंगी हालात हैं और साजिशें भी लोग कर रहे उस सारे तनादर में इन आयात को समझेंगे तो बहुत बहुत वाजी होगी इनशा और अगर अल्लाह तुम तो, तो उन्हें तुम पर मुसलत कर देता तो वो जरूर तुमसे लड़ते फैन फिर अगर वो तुमसे किनारा कश रहे तुमसे जंग न करें और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम डालें फमा जयम सबीला तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन पर इकदाम की कोई राह नहीं रखी अगर वो बचे रहें, न्यूट्रल रहें, तुमसे जंग ना करें तुम्हारे खिलाफ इकदाम ना करें तो तुम भी न्यूट्रल रहो तुम भी उनके खिलाफ इकदाम ना करो सादा सी बात है जंग बराए जंग थोड़ी है जंग बराए इसलाह है जंग बराए फितने का खात्मा है जंग अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के, जल्म के, के लिए जंग जुल्म के खात्मे के लिए जंग मजलूम की दर द्रस्ताद रसी के लिए महज जंग बराए जंग नहीं वो बाज रहे तुम भी बाज रहो

बस अगर तुमसे वो किनारा किसी अख्तियार ना करें और वो तुम्हारी तरह सुलह का पैगाम ना डालें और ना अपने हाथ तुमसे रोके फो हम वकुलम हईफ शकीफ तुम हम तो तुम उन्हें पकड़ो और कत्ल करो जहां तुम उन्हें पाओ शदीद अफादारे सा के लिए मुनाफिकीन में से जो सा दरपय हो जाए जान के नुकसान पहुंचाने के दरपय हो जाए और दूसरों का साथ देकर मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाए तो फिर इनकी गर्दनें उड़ी जाएंगी वो खास तनाजुर जो नबी पाकर के दौरे मुबारक का था। उसके तसा... उसके तनाजर में इन बातों को समझेंगे तो बात बहुत वाजमद ला वकुम जकुम अलिम सुल्तान मुबीना और यही लोग हैं जिन पर हमने खुला इख्तियार दे दिया इनके खिलाफ इकदाम किया जा सकता है अगली आयत करीमा में कत्ल ख़ता का जिक्र आ रहा है और उसके बारे में दियत जो अदा की जाती है ब्लड मनी उसका भी जिक्र आ रहा है यानी कभी बेख्याली में इरादा नहीं था किसी के हाथों कोई कत्ल हो गया गोली चल गई किसी जानवर का वो शिकार कर रहा था गोली मारी वो बंदे को लग गई कत्ल ख़ता का मामला बाई मिस्टेक जो किलिंग हो जाती है वली और किसी मुसलमान के शायर शान नहीं कि वो किसी मुसलमान इंसान को कत्ल कर दे غلطی سے से ऐसा हो गया अगर हो गया तो अब क्या है वह अमन ख़ता मुमिन ख़त अन और जो किसी मुसलमान को गलती से कत्ल कर दे फ़तः हरीर और मुमिना तो एक मुसलमान गुलाम आज़ाद करे व दियत मुसलमत अलाही और खूब बहा उसके वारिसों के हवाले करे गुलाम भी आज़ाद करे और खूब बहा वारिसों के हवाले करे खूब बहा मारूफ कीमत के बराबर रकम आगे और तफसीलात भी हैं गाय और बकरियों की भी सौ ऊंटों की के बराबर रकम खूब बहा ब्लड मनी वो मकतूल के वो रसा को अदा करे इल्ला इल्ला ये के वो माफ कर मकतूल मिलकर चाहे तो माफ कर सकते हैं खूब बहा एक शकल हो गई दूसरी शकल फान फिर अगर वो मकतूल तुम्हारी दुश्मन कौम से हो और हो मुसलमान है मुसलमान लेकिन दुश्मन कौम में कहीं है फतेहरीर और ना, तो आजाद करना होगा एक मुसलमान गुलाम बस यहां गुलाम आजाद करने का कफारा देना पड़ेगा

पहली शकल भी और तीसरी शक्ल तीसरी शक्ल माहे की पासदारी की वजह से है यहाँ भी खूबहा देना होगा और एक मुसलमान गुलाम को आज़ाद करना होगा बाकी तफसीत हैं कि यह जो दियत अदा होती है जो अदा करनी है कातिल को अगर मकतूल के वरसा माफ़ नहीं करते तो कातिल की मदद उसके घर वाले दोस्त अहबाब भी करें और कभी रियासत भी कातिल की मदद करेगी खूबहा को देने के लिए अलबत्त अगर गुलाम आज़ाद करने की वसात ना हो तो आगे बताया गया फमलम यजिद फसिया मुशहर मुतथ बस जिसे मैसर ना हो मुराद मुरादल तो दो महीने लगातार रोजे रखे ये तोबा मुन की गई है अल्लाह सुबहान तला की तरफ से यानी ये सजा के तौर पर नहीं बल्कि कफारा है निदामत हो तोबा करनी है अल्लाह ताली के हदूर और जब बंदा रोजे रखेगा तो उसकी रूहानी तरक्की भी उसको मयसर आएगी वक़ान अल्लाह आलिम हकीम और अल्लाह ताल रखने वाला हमत वाला है ये तो कत्ल खता का जिक्र हुआ मजीद तस्दा तफासिर में पढ़ी जा सकती हैं अब जिक्र आ रहा है कत्ल रहे बूझ कर किसी को कत्ल करना अल्लाह अकबर यानी जान बूझ कर एक मुसलमान की जान लेना आज कितने लाशें गिर जाते हैं किस किस अंदाज से मुसलमानों का खूब बहाया जाता है दुश्मनियों के नाम पर सियासी दुश्मनियों के नाम पर खानदानी दुश्मनियों के नाम पर और अपनी चौधराट जमाने के लिए अपने तकम्बर का इधार करने के लिए जुल्म सितम करते हुए कितने लाशें गिरा दिए जाते हैं जरा सुने ऐसे जालिम लोग जो एक मुसलमान की

यादी आनुआरब तुम फी सबीर एमान वालो जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए सफर करो तो खूब तहकीक कर लिया करो और जो तुम्हें सलाम कहे उसे यह मत कहो कि तू मुसलमान नहीं है तब तयात दुनिया क्या तुम दुनिया की जिंदगी का कुछ सामान चाहते हो फिर फिर तो अल्लाह बहुत सी गनीमतें हैं खूब खजाने हैं मिन कबल जाने तो कर एक एक सामने से शख्स आगे देखा तो कलमा पढ़ लिया उसको कतल कर दिया गया अल्लाह के नबीम के पास मामला पे पहुंचा यहास उसने जान बचाने के खौफ से कलमा पढ़ दिया तुमने इसके दिल को चीर कर देखा था? अल्लाह अकबर कल ये कलमा अगर खड़ा हो गया तुम्हारे खिलाफ अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे अल्लाह अकबर तो किसी के जाहिर के ऊपर ही फैसला किया जाएगा और उसका फैसला कबूल कर लो उससे कलमा पढ़ दिया उसको मुसलमान माना जाएगा इस कदर एहतियात है किसी के बारे में कि कलमा को मुसलमान उसकी जान बहरहाल मोहतरम है और तुम भी तो पहले अपने ईमान को छुपाया करते थे ना अल्लाह ने तुम पर एहसान फरमाया तो अब आइंदा इस तरह का मामला तो तहक़ीक कर लिया करो इन अल्लाह क्या नीमा ख़बीर बेशक तुम जो कुछ करते हो अल्लाह खूब

जो मुजाहिदीन अल्लाह ताला की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से जिहाद करते हैं फ़ल्ला मुजाहिदीन भीदीन दरवाजा अल्लाह ताला ने अता फरमाई है दराजात के अतबार से अपने मालों से और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को बैठे रहने वालों पर ये बैठे रहने वाले अभी नहीं निकले तो इनको अजर नहीं मिलेगा इन पर अभी नकीर नहीं हो रही क्यों अभी नफीर आम का मामला नहीं अभी जो गजबात का मामला हुआ हर एक के निकलने का तकादा नहीं आया नफीर आम हर एक का निकलना मर्दों की बात हो रही ये गजब तबू के मौके पर होगा सब नौ हिजरी का बयान वो सूर तोबा में जिक्र आएगा उससे पहले पहले जो जिहाद के लिए निकल रहे हैं उनका अजर बहुत ज़्यादा है लेकिन बैठ रहने वालों पर नकर का मामला नहीं है वकुल वायदल और हर एक से अल्लाह ने नेमदा वादा फ़रमाया है वफ़ वजाहिदीन अजरन अदीमा और अल्लाह मुजाहिदीन को बैठे रहने वालों पर अजर अज़ीम के अतबार से फजीरत अता फ़रमाई है दराजात मिन वम गफ़िरत व रहमा अल्लाह तरफ से दरा हैं और बख्शिश और रहमत व्ल गफ़ूर रहीमा और अल्लाह तहुत बख्शने वाला नहायत रहम फरमाने वाला है अब जिक्र आ रहा है उन लोगों का जो राय हिजरत जिन्होंने नहीं की और के के बेशक वो लोग जिनकी फरिश्ते जान निकालते हैं इस हाल में कि वो जुलम करते थे अपनी जानों पर कौलु फीमा कुम फरिश्ते पूछते तुम कि इस हाल में थे कौलू कुन्ना वो कहते हम तो बड़े बेबस थे जमीन में

हम तेरी पना में आना चाहते हैं जहन्नम के आदाब से इसके बरक्स कमजोरों के लिए और एक्सेप्शन का मामला इसका जो बेबस हैं मर्द और ना कोई रास्ता पाते हैं उनके लिए हिजरत करना मुमकिन ही नहीं था उनके लिए एक्सेप्शन का मामला उनके लिए नरमी का मामला फ्लैफ बस उम्मीद है कि ऐसे लोगों को अल्लाह सुबहान फरमा दे व

जो अल्ला के रास्ते में हिजरत करेगा वो पाएगा जमीन में बहुत वाफिर जगह और कुशादगी ये हिजरत की बरकतें अल्लाह बयान फरमा रहा है तो अल्लाह की है जमीन मकसूद ना हो अल्लाह की बंदगी मकसूद हो एक जगह मुमकिन नहीं तो दूसरी जगह हिजरत कर जाओ ये मुनाफिक को समझाया गया और हिजरत की तरगीब दिलाई गई वहीं यखरुज्ला और जो अपने घर से हिजरत करके निकले अल्लाह तलाम की तरफ मकت واقع اجروهو على الله, फिर उसको मौत आ पकड़े तो उसका अज़र अल्लाह ताला के हाँ साबित हो गया, निकल पड़ा नहीं तो कर ली, निकल पड़ा मौत आ गई, अल्लाह के अज़र उसका पक्का हो गया, वख़यान अल्लाहु गफुर अर्रवाहिमा और अल्लाह सुबहानो ताला बहुत बचने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला है वा वरब तुम फिल और दी और जब तुम जमीन में सफर करो फली सली तो बस नहीं है तुम पर कोई गुना कि तुम नमाज में कसर कर लो कसर नमाज मालूम है ना फर्ज चार जो होते हैं उनकी जगह दो पढ़े जाते हैं जैसे जहर है असर ईशा बाकी तफसीत हमारे इल्म में हैं शराय सफ़र हो तो कसर नमाज की तरगीब दिलाई गई बल्कि सहूलत अता की गई अलबत्त यहां जिक्र आ रहा है इन खिफ तुम अफ्तिन कुमीना काफर हो अगर तुमको डर हो कि तुम्हें कुफर करने वाले सताएंगे यानी मालूम हो रहा है कि दुश्मन का खौफ वो तो कसर कर सकते हैं अलबत् के प्यारे नबी वसल्लम ने इसकी वजहत फरमा दी अपनी सुनत मुताहरा से सलाम ने हर सफर में नमाज कसर करके हमें बताया है तो गोया खास दुश्मन ही के खौफ का मामला नहीं अमूम के अतबार से जब ट्रैवलिंग होती है तो कसर नमाज की सहूलत अता की गई और उस सहूलत से फायदा उठाना ही दीन का तकादा है इमल काफी कानू व मुबीना बेश तुम्हारे खुले दुश्मन है व इधा कुम तफ़ी फ़ाकम तल सलाता और अगर ए नबी आ السلام, जब आप उनके दरमियान में मौजूद हों फिर उनके लिए नमाज़ क़ायम करें यह बड़ा प्यारा मकाम आ रहा है सलातुल्खफ कह सकते हैं खौफ की कैफ़ियत है दुश्मन का हमला भी हो सकता है तो ऐसी कैफियात में किस तरह नमाज अदा की जाए और एक ख़ास ख़ास मामला क्या है तमाम साहब कलम की शान और उनकी चाहत क्या थी उनकी तो शानदस है साहब कलम की उनकी ख्वाहिश क्या होती थी नबी अकरम आ सलातम की इमामत में अदा करें एक ख़ास दास इस मकाम पर आ रहा है, बहुत तवज्जो से समाज फरमाइएगा तो नबी सना जब आप इनके दरमियान मौजूद हो नमाज कायम करें मुराद इमामत करें तो चाहिए कि उनमें से जमात आपके साथ खड़ी हो और चाहिए कि वह अपने हथियार ले लें

और चाहिए कि अपने बचाव का सामान साथ रखे रहें वह असल और अपने असलहे को भी साथ रखें असलहा और दिफा का सामान ये साथ रहेगा इसमें बड़ी हमत आगे जिक्र आएगा अब कैफियत क्या है मसा हजूर को दूर कर नमाज की इमामत करनी सल्लाम तो मसन सहाबा वो पहरा दें सब कुछ करें और बाद सहाबा आपके साथ खड़े हो जाएं हुजूर की एक रकत मुकम्मल हुई हुजूर इंतजार फरमाएंगे एक रकत वाले पढ़ के चले जाएं सुबहान अल्लाह और दूसरे आ जाएं और हुजूर के पीछे खड़े हो हुजूर हजूर सलाम दूसरी रकत मुकम्मल करें सलाम फेड़ लें दूसरे आने वालों की एक रकत हो गई हो गई अब ये दूसरी रकत मुकम्मल करें चले जाएं और वो वाले आकर अपनी पहली रकत मुकम्मल कर लें सुबहानल्ला खास मामला इसलिए कि हजूर की इमामतें सबने अदा कर वरना अब कभी इस तरह की जंगी हालात हो तो कई महाजुर

ये चाहते हैं काफिर आज अल्लाह खुदादात पाकिस्तान को एहसान है, है।, के 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 है।, तो है तो इसकी बनता है खत्म कर दे अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाई वाला जुना कोई गुना नहीं अगर तुम्हें बारिश की वजह से तकलीफ हो या तुम बीमार हो कि अपना असने उतार रखो। बारिश की वजह सामान भारी हो जाता है कोई बीमारी का मामला है, तो कुछ इस पर मजीद कलाम सूर्य में भी आएगा इन शहीना बेश ने काफरों के लिए जिलत वाला आजाब तैयार कर रखा है फहीदा कदई तुम्सलाम वुनूबी कुम फिर जब तुम तो नमाज अदा कर चुको तो अल्लाह तला का कर जिक्र करो खड़े और बैठे और अपनी करबट करवटों पर लेटे वक्त भी यानी ये नहीं कि नमाज अदा की उसके बाद छुट्टी छुट्टी नहीं है भाई मरते दम तक अल्लाह की याद मरते दम तक अल्लाह की बंदगी का तकादा है तो नमाजों के बाद भी अल्लाह का जिक्र करना है फीर तुम तुम फाकी जब तुम इतमान पाओ तो पूरे आदाब के साथ नमाज कायम करो हालत खौफ का मामला होगा सफर का मामला होगा तो अदा तो हो जाएगी इन शह लेकिन अमूम के अतबार से अमन के हालात में जब रिलैक्स माहौल में मोड में हो तो पूरे आदाब के साथ नमाज का क्याम हो इम सला था बता बेशक नमाज अहल ईमान पर मकर्र अवात में फ़र्ज की गई है और मुक्र अवात से रमज़ान शरीफ में नहीं है पूरी ज़िंदगी पांच नमाज रोज़ाना फजर जहर असर मगरबी शाह की फर्जियत है अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको पूरी जिंदगी तमाम नमाजों की बाकायदा हिफाजत करने वक्त पर अदा करने और मर्दों के लिए बाजमात अदा करने की तोफ़ी अता फरमाए अब कुफार के मुकाबले में ईमान वालों को तरगीब तश्वीक दिलाई जा रही है मुकाबले के लिए वाला का पीछा और ताकुब करने में हिम्मत ना हारो इन अगर तुम्हें को तकलीफ पहुंचती है तो बेशक उन्हें भी तकलीफ पहुंचती है जैसे तुम्हें तकलीफ पहुंचती है जैसे देखो अगर सत्तर सहाबा शहीद हुए अहद के मैदान में तो अः मुसलमानों तुमने बदर में इनके सत्तर कतल किए थे कि नहीं तो यह भी सारी तकलीफें बर्दाश्त कर रही तो दुनिया परसें ये भी जाने देने तो दुनिया भर से हो तुम आलमीन के मानने वाले तुम्हारा मोटिवेशन का का वो उम्मीद रखते हो जो ये नहीं रखते अंदाजा जिसे को पाना हो, जिसे जन्नत को पाना हो जिसे अल्लाह को राजी करना हो और जिसका यकीन है कि अल्लाह मुझे मिलेगा जिसके यकीन अल्लाह की रजा मुझे मिलेगी उसकी मोटिवेशन का आलम क्या होगा वो दीन की राह में आने वाली तकाली को मसाइब को बढ़ चढ़ कर बर्दाश्त करेगा

झूठा इल्जाम यहूदी पर लगवा दिया और उसका मुकदमा नबी सलाम की खिदमत में आया हजूराम को अल्लाह ने वही के जरिए मुतला फरमाया और आपने यहूदी के हक में फैसला दिया और मुनाफिक मुजरिम करार पाया मुनाफिक भी अड़ गया और मुनाफिक के घर वाले और भाई बहन भी अड़ गए और वो इताते रसूल से फरार इख्तियार करने लगे इस पस मंजर में आगे तस्करा आएगा हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाया गया लितहकुमा अराक अल्लाह ताकि आप लोगों के दरमियान फैसला फरमाए उसके मुताबिक जो अल्लाह तला ने आपको दिखाया वला तकुली नसीम और आप हरगिज़ ना हो जाइएगा बाजों की तरफ़दारी करने वाले सवाल ही पैदा नहीं होता ये तो ज़ालिमों को सिखाया जा रहा है वो मुनाफिक उसके घर वाले जो यहूद पर यहूदी पर इल्ज़ाम तराशी करते और चाहते हैं कि इनको हक मिल जाए जबकि ये हक पर नहीं थे तो हजूर आलम को फ़मा कर उनको बताया जा रहा है कोई तुम्हारी तरफदारी नहीं होगी वस और अल्लाह सुबहान तौर से बख्शिश मांगिए इमन ला गफ़ूर और रहीम अबेशाना बहुत बचने वाला नहायत और फरमा वाला है। वला का हिस्सा तो है और इसको तो पता है कि मैं ख्यान कर रहा हूं चोरी कर रहा हूं दगाबाजी कर रहा हूं तो यह तो खुद अपने आप से ख्यालत करने का मामला हुआ हालांकि दूसरे के साथ की जा रही होती है मगर बंदा अपने आप से भी खयानत कर रहा होता है वला तुजादिल वला तुजादिल और आप उन लोगों की तरफ से बहस न कीजिए जो अपने आप से खयानत करते हैं बेशक अल्लाह उसे पसंद नहीं करता जो खयानत करने वाला गुनहगार हो और अपने आप से एक और खयानत क्या है अल्लाह ताला ने सलाईत दी है ना बंदे को अब बंदा सलाईत तो व्तेमाल कर रहा है तो अल्लाह की अमानत में खयानत कर रहा है ना जबान गलत इस्तेमाल कर खयानत कर रहे यह है अपने आप से खयानत करने का मफह यस्तफुन मिननास वो लोगों से छुप सकते हैं या लोगों से अपनी हरकतें छुपा सकते हैं वला मिनल्लाह और अल्लाह सुबहान तो नहीं छुपा सकते ये यकीन अगर हम सबको आ जाए तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाए आज लोग बंदों से डरते हैं अल्लाह से नहीं डरते अरे हम अल्लाह से नहीं छुप सकते बंदों से से फिर भी शायद छुप जाएंगे अल्लाह नहीं छुप सकते अल्लाह से नहीं बच सकते हालांकि वो अल्लाह उनके साथ होता है जबकि ये लोग रातों को मशवरा करते हैं वो बात की जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं वही मुनाफिक का तस्करा व ख्यान और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह सुबहान तला उसका अहात किए हुए है हा अम तुम हा उलाम फ हा सुनो तुम वही लोग तो हो कि तुमने इनकी तरफ से दुनियावी जिंदगी में झगड़ा किया ये जो मुनाफिक लगाया पर उसके घर वालों दोस्त अहबाब को कहा जा रहा है तुम इस झूठे खयानत करने वाले की जो है वो हिमायत करते हो तुम हो जो दुनिया की जिंदगी में तुमने इसकी तरफ से झगड़ा कर लिया फमई दिल्ल यकून मियामत वकीला तो कौन अल्लाह से झगड़ा करेगा क्यामत के दिन इनकी तरफ से या कौन का वकील होगा अल्लाह अकबर आज झूठे मुकदमात की पैरवी करने वाले अपनों को बचाने वाले मुजरिमों को बचाने वाले दगाबाजों को बचाने वाले चंटके की खातिर जो है वो झूठ बोलकर मुकदमा जितवा देते हैं और किसी को बचा लेते कौन अल्लाह ताला की अदालत में इन झूठों का साथ देगा इन दगाबाजों को बचाएगा इन डाकुओं को बचाएगा इन चोरों को बचाएगा सोचना चाहिए ये अदालतों भी भी ये भी ये में भी हो सकता है ये ऑफिस में भी हो सकता है ये घरानों में भी हो सकता है कि तुम झूठों का दगाबाजों का चोरों का डाकुओं का साथ देते हो अल्लाह की अदालत में चलेगा Allah के दरबार में अस्तिर सवाल ही पैदा नहीं होता और जो कोई बुरा अमल करे अपनी जान पर बख्शिश चाहे तो वह अल्लाह को बहुत बख्शने वाला नहायत और हम फरमाने वाला पाएगा और तौबा कर लो अल्लाह तफ़ फरमा देगा लेकिन याद रहे अगर किसी का माली हक मारा है किसी के हक में ज्यादा की है तो माली हक लौटाना पड़ेगा उस बंदे से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी और अल्लाह से भी माफ़ी मांगो अल्लाह तफ़ू है अल्लाह ताला रहीम है और जो कोई गुनाह कमाए तो वो कमाता है काम किया गुनाह करके बंदे ने अपने ही नुकसान का काम किया अपनी रूह को आलूदा किया अपने बातिन को नापा किया और कल के अंगारों के लिए तैयार किया वह और अल्लाह सुबह खुबिन रखने वाला बहुत हमत वाला है जो कोई खत गुनाह कमाए फिर इसकी तोहमत किसी बेगुनाह पर लगाए फकदीना तो उसने भारी बोहतान और सरी खुला गुना अपने ऊपर गोया लाद लिया जैसे इस मुनाफिक ने किया तो कोई गुना करे और किसी और पर बोहतान लगाए तो बहुत बड़ा बोहतान है गुना का भारी जो उसने अपने ऊपर बोझ की सूरत में लाद लिया वहमत और अगर अल्लाह सुबहान का आप पर फजल ना होता और उसकी रहमत ना होती तो उनकी एक जमात ने तो इरादा कर ही लिया था कि आपको गलती में डालें वही मुनाफिक और उसके घर वाले इन्होंने मिलकर तो चाहा कि हजूर अली सलात के यहाँ से अपने हक में मुकदमे का फैसला करवा लें यह तो चाहते थे कि आपको गलती में डाले वमा और वो नहीं बहका रहे मगर खुद अपने

मामला करें तन में बैठ कर बातें करना इजिमायत को छोड़कर लोगों पर नफसियाती असर पड़ता है पता नहीं क्या साजिशी बातें हो रही लेकिन तन्हाई में सरगोशियों में कोई बात करनी है तो किसी को सदका देने की तलकिन कर दो किसी की मदद करने की तलकीन कर दो खैर की बात सिखा दो उसकी कोई असलाह की बात कर दो और उन लोगों के दरमियान सुलह कराने की बात करो ये तन्हाई की सरगोशियाँ तो पसंदीदा हैं वरना इजनमाईत को छोड़कर नजवा इख्तियार करना कोने खतरे में बैठ कर साजिशें करना ये तो इनतहाई अल्लाह तला को नाराज़ कर देने वाली बात है बते गौ अमर और जो ये करे अल्लाह की हासिल करने के लिए सदके की तलकीन उमदाबाद की तलकीन इस्लाकी की तलखीम सुलह करा देने की तलखीम तो ये तो अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए जो करेगा ही अजरन अदीमा पसमन करीब उसे बड़ा अजर आता फरमाएंगे अब वो जो मुनाफिक था और उसके घराने के लोग वो तो नबी सलाम के फैसले को देखकर परेशान हो गए और यहूदी के हक में हजूर सलाम ने फैसला दिया था और वह फिर गए उस पर अल्लाह का तबसरा शास्ल और जो कोई इसके बाद रसूल की मुखालिफत करे जबकि उस पर हिदायत जाहिर हो चुकी अल्लाह के रसूल सलाम ने फैसला फरमा दिया अब फरार इख्तियार करे तो हुजूर की मुखालफती तो कर रहे हैं हुजूर के फैसले के बरास करना मुखालफती तो है और ईमान वालों के रास्तों के बरखिलाफ किसी रास्ते पर चले नही मातवल्ला तुम उसको उसी के हवाले कर देंगे जो बात उसने इख्तियार की वनुस्हन्नम और हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे वसा और वो लौटने के अतबार से बहुत बुरी जगह है अल्लाह अल्ला हम तेरी पना में आना चाहते जहन्नम के आदाब से यहां पर दो बातें हुजूर अलैहिस्सलाम की मुखालफत क्या हुई हजूर आलम के फैसले के खिलाफ हो रहा है और हुजूर का फैसला तस्लीम नहीं किया उस मुनाफी उसके घर वालों ने इताते रसूल से फरार इख्तियार किया इनके लिए जहन्म नंबर दो ईमान वालों का रास्ता जो छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करे इसी को इमाम शाफी रहमत आदि असलाब ने फरमाया ये इजमाय उम्मत की दलील है दीन के मुसलमा मामला जिन पर पूरी उम्मत का इजमा और इतफाक पाया जाता है उन इजमाई मामला से जो रास्ता इख्तियार करके कोई और रास्ता इख्तियार करेगा इस इजमा के रास्ते को छोड़ करके और रास्ता इख्तियार करेगा तो फिर तो उसके लिए जहन्नम का फैसला अल्लाह ताला जहन्नम के आदाब से हम सबकी हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला इस बात को तो माफ़ नहीं फरमाएगा कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए हाँ इसके सिवा जिस गुना को चाहेगा माफ फरमा देगा ऐसी बात आयत नंबर अड़तालीस में भी हमारे सामने आई थी शिर्क अल्लाह की जात में हो सिफात में हुकूक में हुई माफी नहीं हाँ कोई सच्ची तोबा कर ले शिर को छोड़कर तोहिद के तकादों पर कार्बन हो जाए तो तौबा कर लेने के बाद तो माफी की गुंजाइश है इससे एक नुकता जरा हसास नुकता बयान फरमाया बकिया गुनाहों के तो इम्कान है कि अल्लाह ताला वैसे ही माफ फरमा दे चाहे तो शिर का मामला है कि तोबा के बगैर उसकी माफी नहीं अल्लाह ताला, ताला शिरक की हर किस्म से मेरी आपकी हम सबकी हिफाजत फरमाए वमन युशरिक बिल्ला फ़क्त वल्ला वालम बईदा और जिसने अल्लाह ताला का शरीक ठहराया बस वो गुमराह हो गया बहुत दूर की गुमराही में

और शैतान ने कहा और मैं उन्हें जरूर बहकाऊंगा और जरूर उम्मीदें दिलाऊंगा और उन्हें सिखाऊंगा तो वो जरूर जुर, चीरेंगे बुतों की के जानवरों लंबी चौड़ी उम्मीदें तोड़ी अमल कुछ करना नहीं मगर क्या है चंदा तुम्हारी पक्की बेअमली की तरफ लेकर जाएगा और जानवरों के कान चीरेंगे वो बुतों की परस्तिश करने वाले मुश्किन बुतों की नजर कर दिया करते थे जानवरों को कान काट दिया करते थे वाला आर खलक अल्लाह और मैं उन्हें सिखाऊंगा तो वह अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत बदल देंगे अल्लाह की तखलीक में तब्दीली की कोशिश करेंगे इससे एक मुराद है खिलाफ फितरत अमूर का मामला मर्द औरतों जैसी शक्लें इख्तियार करें औरतें मर्दों जैसी शक्लें इख्तियार करें जब्त विलादत का मामला हो बच्चों की पैदाइश से फरार अख्तियार किया जाए निका का पाकिजा मंदन जो है वह छोड़ दिया जाए औरतों को बांझ करने की बातें की जाए ये सारे शैतानी एजेंडे की बातें हैं वमय तखीद शैतान वली और जो बनाए अल्लाह के सिवा शैतान को

चाहिए और अल्लाह में शैतान के हमलों से महफूज सरमाए आइए इखताम पर मुख्तर दुआ कर लेते हैं बिस्मिल्लाम सल्ली अला अला व सल आदा महमद वबारिक वसलम या अल्लाह हम सब की हमारे माँ बाप की हमारे घर वालों की और तमाम मुसलमानों की मगफरत फरमा ऐ अल्लाह कुरान पाक के जरिए हम पर रहम फरमा ऐ अल्लाह हमारे सगीर कबीर तमाम गुनाहों को बख्श दे ऐ अल्लाह हमें सच्ची और पक्की तौबा की तौफीक दे शैतान के हमलों से बचा या अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत की तौफीक अता फ़रमा ऐ अल्लाह हम सबको जहन्नम से महफूज फरमा अल्लाह हम सबको जन्नतफरदोस अता फरमा ऐ अल्लाह हम सब से राजी हो जा ऐ अल्लाह हम सब से